हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पी ब्लॉक में ऑक्जो एसिड के बारे में। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये मानना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पी ब्लॉक एक रटने वाला चैप्टर है, जबकि ये एक मिथ है, ये एक अफवाह है। और वो कैसे, वो आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू फील कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से ऑक्जो एसिड की नेमिंग, फार्मूला और स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने होगा एक खुली किताब की तरह। इसलिए इससे आने वाले प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लेंगे और बहुत फास्ट भी कर लेंगे। तो वो कैसे, वो इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ऑक्जो एसिड। आप कैसे पहचानोगे कि ये ऑक्जो एसिड है? तो वेरी सिंपल, उसके मॉलिकुलर फार्मूला में आप देख लो क्या ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है। ये दोनों मस्ट हैं, ये दोनों हैं। इसके अलावा अगर फास्फोरस है तो वो फास्फोरस का ऑक्जो एसिड हो जाएगा, जिसको आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर सपोज करो सल्फर है तो वो सल्फर का ऑक्जो एसिड हो जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन के, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के, आयोडीन है तो आयोडीन के। राइट, वेरी सिंपल। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इनमें से कोई एलिमेंट हो। क्या सर यही पाँच एलिमेंट होने चाहिए? नहीं, 99% जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इन्हीं पांच एलिमेंट पे बेस मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा फास्फोरस के ग्रुप का ही नाइट्रोजन हो सकता है, राइट, या कार्बन हो सकता है, ये सब के भी ऑक्जो एसिड हो सकते हैं, बट 99% हमें ये मिलने वाले हैं। फास्फोरस 15 ग्रुप का हो गया, सल्फर 16 ग्रुप का और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 ग्रुप के, इसके ऑक्जो एसिड पे बेस क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्जो एसिड के बारे में, तो उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? वेरी सिंपल कि फास्फोरस के लास्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ये सभी को मालूम है। फास्फोरस के लास्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है। सिमिलरली फास्फोरस के जितने भी ऑक्जो एसिड हैं, उसमें फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा ही, उसके पांच बॉन्ड आपको बनाना ही है। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान से देखो, ये पांच 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 इसलिए लिखा क्योंकि पी से फास्फोरस, पी से पांच, समझ के बात, पी से फास्फोरस, पी से पांच, डेट मीन्स पांच इलेक्ट्रॉन है तो पांच मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और जितना भी इसका ऑक्जो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें ये पांच बॉन्ड बनाएगा ही, क्योंकि ये मस्ट है, फिक्स है। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि फास्फोरस का कोई भी ऑक्जो एसिड आप बनाएंगे, भगवान ने इसको वरदान में ये दो चीज़ें फिक्स करके दी हैं। फास्फोरस का किसी भी ऑक्जो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें एक पी डबल बॉन्ड हो और एक POH आपको पहले से ड्रॉ कर देना है, ये चीज़ें फिक्स हैं, ये होगा ही। उसके बाद चूँकि फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तीन बॉन्ड इसके बन चुके हैं, अब दो ही बॉन्ड बचा, तो वो दो बॉन्ड आइदर H हो सकता है या OH हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फार्मूला। फार्मूला में क्या है, अगर ऑक्सीजन स्टिल फार्मूला में बचा हुआ है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्कीम है नेमिंग का, वो कैसा है कि जो भी एलिमेंट होगा, दैट इज फास्फोरस, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो भी एलिमेंट होंगे उसके नाम के पीछे आपको अस या इक लगाना है। जैसे यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या होगा, फास्फोरस, तो फास्फोर वर्ड आपको उसका लेना है, फास्फोर वर्ड, ओके। और उसके नाम के पीछे सफिक्स में आइदर अस लगेगा तो फास्फोरस हो जाएगा, इक लगेगा तो फॉस्फोर इक हो जाएगा, ये इतना फिक्स है, राइट। फॉस्फोर वर्ड यूज करना है, अस लगेगा या इक लगेगा, वो कब लगेगा मैं बात करता हूँ, और एसिड नाम में पीछे लगा देना है। नाम के पहले प्रीफिक्स में क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं, पायरो, क्या यूज हो सकता है, पायरो, पर ऑक्जो, हाइपो, मेटा एंड ऑर्थो, ये पांच नेम फॉस्फोरस के ऑक्जो एसिड में यूज हो सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो फास्फोरस के ऑक्जो एसिड के खानदान वालों के नाम क्या क्या हैं, पायरो, परऑक्जो, हाइपो, मेटा एंड ऑर्थो, तो ये पांच यूज होंगे एज ए प्रीफिक्स, सफिक्स में आइदर अस या इक होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, इक वर्ड आपको कब लगाना है,
जब आपका एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, फास्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसके नाम के पीछे आपको क्या लगा देना है, इक। जैसे यहाँ पे अगर फास्फोरस के ऑक्जो एसिड के बारे में बात करें तो फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव हो सकता है, तो प्लस फाइव वाले में आपको क्या लगाना है, इक। जैसे H3PO4 इसमें फाइव है तो इसमें इक वर्ड लगेगा, फॉस्फोरिक। ओके, और अगर इसी का एनायन अगर बना लिए, डैट मीन्स एनायन में अगर वो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इक की जगह क्या लगेगा, एट, जैसे फॉस्फेट। और ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉस्फोरस, कोई भी ऑक्जो एसिड हो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इक, और अगर हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का एनायन है तो एट वर्ड जोड़ेंगे, जैसे फॉस्फोरिक फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक सल्फेट, नाइट्रिक नाइट्रेट। समझ गए। वैसे ही अस कब लगाएंगे, अस आप तब लगाएंगे जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो यूनिट कम हो, तो पाँच में से दो गया तो कितना हो गया, तीन। अगर फास्फोरस अपने प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपको अस लगा देना है, और अगर उसी का एनायन है, एनायन में अगर वो प्लस थ्री में है तो आइट वर्ड लगाना है, जैसे फॉस्फाइट सल्फाइट नाइट्राइट। तो कहीं पे आइट लगा है मतलब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए, एक का एट अस का आइट, एक कब लगाना हाईएस्ट में, अस कब लगाना उससे दो कम में। क्लियर है फास्फोरस के लिए। ओके, नाउ द मैन ट्रिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप किसी भी ऑक्जो एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर एंड नेम ईजिली याद रख सकते हो, वो देखो यहाँ से। आपको क्या करना, वेरी सिंपल, आपको ऑलवेज इक या अस वाला पिकअप करना है। और अगर फास्फोरस के ऑक्जो एसिड की बात करूं तो फिक्स है, आपको इक अगर वर्ड लगा हुआ मिल गया तो आपको ये वाला पिकअप करना है, H3PO4 एज ए बेस पॉइंट। अगर अस लगा हुआ मिल गया नेम में तो आपको H3PO3 ये पिकअप करना है, यही दोनों फिक्स है, इसके अलावा और कोई नहीं। या तो इसको पिकअप करना है कब करेंगे, जब इक लगा होगा, इसको पिकअप करना है कब करेंगे, जब अस लगा होगा। ओके, समझ गए। इन दोनों में से जो भी होगा, अगर इसका दो मॉलिक्यूल आपने ले लिया और एक वाटर हटा दिया, ये मॉलिक्यूल फार्मूला ले लो, अगर एक होगा तो आस होगा तो ये ले लो, तो उनके दो मॉलिक्यूल मतलब टू से मल्टीप्लाई कर दो और एक वाटर हटा दो, तो जो मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका नाम क्या हो जाएगा, प्यार से उसका नाम रख देंगे पायरो, प्यार से पायरो। अब अगर इसमें इस पायरो में एक ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया तो प्रतिष्ठा में उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, पर ऑक्सो। प्रतिष्ठा में उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, पर ऑक्सो। अगर पायरो में से ही एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया, ध्यान दे सिर्फ एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो फिर हक से उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, हाइपो। बात समझ में आ गई। अगर सपोज करो आपने दो मॉलिक्यूल लेकर के वाटर नहीं निकाला, डायरेक्टली वाटर निकाल दिया, एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही आस वाला, एक ही मॉलिक्यूल लिया और उससे डायरेक्टली वाटर हटा दिया, तो मोहब्बत में उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, मेटा। समझ गए। अब अगर सपोज करो कि मेटा में अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में अभी भी हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो फिर ये जो अस या एक वाला लिया था इसके नाम के आगे इज्जत से लगा देना है ऑर्थो। समझ गए बात, इज्जत से लगा देना ऑर्थो। एक और पॉइंट है कि एक या अस वाले में डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन जोड़ दिए सर, तो जरूरी नहीं है कि आप पायरो में ऑक्सीजन जोड़ो या पायरो से ऑक्सीजन कम करो, 99% तो हम यहीं से थिंक करते हैं और यहीं से करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक वाले में ऑक्सीजन जोड़ दूं या अस वाले में ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो जोड़ा है तो प्रतिष्ठा में वही पर ऑक्सो ही चलेगा, और अगर मैं एक ही अस वाले से एक ऑक्सीजन कम कर दूं, तो कम क्या है, तो हक से हाइपो वर्ड ही जोड़ना है। बात समझ में आ गई। तो ये स्कीम आपको एकदम, और ये फंडा, ये ट्रिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ ट्रिक की। तो हमने आपको बोला था कि आपको एक H3PO4 वाला उठाना है तो उसका मैं बता रहा हूँ, और एक H3PO3 वाला उठाना है तो उसका मैं बताऊँगा। तो H3PO4 अगर हमने पिकअप किया तो इसमें यूनो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लस फाइव, तो इसलिए नाम क्या लग जाएगा, ध्यान से देखो, फॉस्फोर वर्ड ये तो चलेगा ही, नाम के पीछे एक फॉस्फोरिक एसिड, ये नाम आ जाएगा राइट इसका। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी, आपको बता रखा हूँ, भगवान ने वरदान में इसको दे रखा है, पी डबल बॉन्डो और OH फिक्स। आप ध्यान से देखो, फॉस्फोरस आपने यूज कर लिया,
दो ऑक्सीजन भी आपने यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो अब बचा क्या, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर बचा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही अटैच होंगे, तो इसलिए दो OH आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, जिसकी बेसिसिटी अगर पूछा जाए तो ये 3H आपको दे सकता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, राइट। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp3 हो जाएगा, 4σ0 लोन पेयर से, राइट। शेप पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये सब आपको क्लियर है, देखो आपकी आंखों के सामने। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसका दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा दीजिए, तो चुपके चुपके देखो दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ बना दिया, दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा दो, एक से OH और एक से H मैंने ले लिया, एक वाटर मैंने क्या किया हटा दिया। दो मॉलिक्यूल लेकर के अगर एक वाटर हटा देंगे तो प्यार से इसके नेम के आगे क्या लगाएंगे, पायरो। तो देखो नाम क्या हो जाएगा, पायरो, बाकी पूरा यही चलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या इसका फॉर्मूला आपके सामने है, आंखों के सामने, यस। H4 है, P2 है, O7 है, फॉर्मूला सामने है, स्ट्रक्चर सामने है, नेम सामने है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो क्या हम कर लेंगे, यस डेफिनेटली, क्यों, क्या पूछा जा सकता है, आप देख करके बताओगे एक खुली किताब की तरह। कैसे, ध्यान से देखो, इसमें 4H हैं तो इसकी बेसिसिटी 4 हो जाएगी, कितने POP लिंकेज हैं तो 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो 4σ0 लोन पेयर से, अगेन sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बहुत ईजी है, फॉस्फोरस जितना ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा उसकी वजह से फॉस्फोरस पे प्लस आप लेके आ जाओ। यहाँ पे इस फॉस्फोरस का निकालना है तो ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से तो +5, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +5। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप बता सकते हो। सिमिलरली हमने आपको क्या बोला कि अगर आप पायरो से एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो कम कर दो तो चूंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा ही, तो आप निकालोगे किसको, यही बीच वाले ऑक्सीजन को, तो इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, पीपी लिंकेज आ जाएगा, राइट। तो देखो आपकी आंखों के सामने स्ट्रक्चर है, नेम है, फॉर्मूला है, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपो लगा देंगे, हक से हाइपो, और ये नाम चलता रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि पिकअप पॉइंट यही था, तो ये चलता रहेगा, बस उसके नाम के पहले यहाँ पायरो लगा, यहाँ हाइपो, क्यों, ऑक्सीजन कम किया। अगेन इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने पीपी लिंकेज हैं, या 4 ऑप्शन दे दिया, विच कंटेंट पीपी लिंकेज, पीओपी लिंकेज, क्या हमारे लिए इजी है, यस डेफिनेटली इजी है। अगेन बेसिसिटी 4 है क्योंकि 4 POH बॉन्ड है। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4 फॉस्फोरस 4 ही ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है, ये तो पीपी है, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ध्यान देना है। सिमिलरली अगर पायरों में एक ऑक्सीजन जोड़ देते तो क्या होता, तो ऑक्सीजन जुड़ता कहाँ, वो भी क्लियर है, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, ऑलरेडी बना चुका है, तो बीच में आएंगे, तो देखो ऑक्सीजन को मैंने बीच में और ऑक्सीजन, तो ये पर ऑक्सी लिंकेज हो गया, इसी को बोलते हैं पर ऑक्सी। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको पर ऑक्सी लिंकेज बोलेंगे, राइट। जैसे H2O2 पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, राइट। देखो नेम आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, H4P2O8, तो ये हो जाएगा पर ऑक्सो। फिर अगेन इसमें बेसिसिटी पूछा जाए तो अभी भी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड को काउंट कर लो, जितना होगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में आपको कर देना है। ये तो आपने दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाया, वहाँ से आया। दूसरा जो तरीका है कि मैं इससे डायरेक्ट एक वाटर हटा रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक वाटर हटा रहा हूँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, HPO3, नाम क्या हो जाएगा, मोहब्बत में इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, मेटा, तो क्या हो जाएगा, मेटा, और ये वर्ड चलता रहेगा तो फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो अगेन आपको बता रखा हूँ कि फॉस्फोरस के किसी भी ऑक्सो एसिड में एक पी डबल बॉन्ड और एक OH होगा ही, तो आप ध्यान से देखो, H हमने यूज कर लिया, दो ऑक्सीजन यूज हो गए, अब बचा एक ही ऑक्सीजन, चूंकि ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ किसी और से जुड़ोगे तो हाफ और हाफ काउंट होगा, तो आप देख सकते हो यही फॉर्मूला है उसका। ये मत कर देना कि सर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, ये दो ऑक्सीजन हाफ हाफ काउंट होंगे तो एक ही होगा, क्यों, क्योंकि वो किसी और से भी शेयर्ड हैं, राइट।
इसको बोलेंगे, चूंकि ये एक चैन बना लेंगे, एक पॉलीमर बना लेंगे, तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके एन मॉलिक्यूल ले लोगे, 2, 3, 4, तो एक चैन बनती जाएगी, तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। इसी का एक और होता है कि अगर मैं इसके 3 मॉलिक्यूल ले लूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3P3O9। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो अगेन रफी सर का वही पॉइंट कि भाई जितने भी ऑक्जो एसिड होंगे सब में पी डबल बॉन्डो और OH हो गई, तो 3 फॉस्फोरस था, पी डबल बॉन्डो OH, पी डबल बॉन्डो OH, पी डबल बॉन्डो OH। ऐसा करने से आपने 3 हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो ये यूज हो गया फॉस्फोरस, 3 यूज हो गया, ऑक्सीजन 6 यूज हो गए, 3 बचे हैं। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर से POP कर दो और एक इधर से POP कर दो, एक इधर से POP कर दो। तो ध्यान से देखो, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए नाम क्या होगा, साइक्लो ट्राई, क्यों, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल लिया, ट्राई मेटा, क्यों, क्योंकि मेटा से लेके आया है, और फॉस्फोरिक, क्यों, क्योंकि इससे बनाया है, तो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगेन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितने POP लिंकेज हैं ये पूछा जाएगा, इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो 3 हो जाएंगे, कितने पी डबल बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस टाइप का कुछ ही पूछ ले, क्योंकि स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, तो सब में 5 है, तो फॉस्फोरिक के जितने भी ऑक्जो एसिड है सब में 5 हैं, एक्सेप्ट हाइपो में 4 है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आसिया एक के एक ही मॉलिक्यूल लिया, उससे वाटर हटाया, हाइड्रोजन अगर बच रहा है तो इस एसिड के नाम के आगे इज्जत से ऑर्थो लगाना है, और इसमें तो आपको मालूम ही है मोहब्बत में मेटा जोड़ना है। तो आई होप ये पूरा आपको वेरी वेरी क्लियर होगा। नाउ फॉस्फोरस में एप्लीकेशन में जाने से पहले दो ज्ञान की बात, डेट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जितना भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्जो एसिड होगा उसमें मस्ट वर्ड हमने लिखा है, ध्यान से देखो मस्ट, उसमें जरूर और जरूर या तो एक PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको चेक कर लेना है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है, मैक्सिमम से कम होना चाहिए, 5 से कम डेट मीन्स 4, 3, 2 एटसेट्रा 1। तो इन सब केस में जितना भी ऑक्जो एसिड होगा उसमें या तो PP बॉन्ड होगा ही या PH बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। तो ध्यान दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर कहने का मतलब क्या है, +4 है, +3 है, 2 है, 1 है, अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है तो उसके ऑक्जो एसिड में या तो PP बॉन्ड होगा या PH बॉन्ड होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा एट ए टाइम, समझ गए। दूसरा पॉइंट अगेन वही कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो फिर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, डैट मीन्स सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होंगे और रिड्यूस भी होंगे। अगेन ये कब होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाइएस्ट से कम होगा, डैट मीन्स 5 से कम। तो इसलिए ट्रिक का पॉइंट क्या है कि अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है और X की वैल्यू या तो 4 है या 4 से कम है, तो इस केस में फॉस्फोरस एक बार +5 में चला जाएगा और एक बार -3 में, बट डैट मीन्स एक बार किस में चला गया, ये हाईएस्ट में, और एक बार किस में चला गया, ये लोएस्ट में। वेरी सिंपल है, याद रखना फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्जो एसिड होंगे अगर फॉस्फोरस उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है तो फिर वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा, एक बार वो हाईएस्ट में जाएगा और एक बार लोएस्ट में। फॉर एग्जांपल H3PO3, तो यहाँ पे ये +3 में, तो एक बार ये +5 में चला गया H3PO4 और एक बार ये -3 लोएस्ट में चला गया, राइट। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं, हम बैलेंस कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों ही ज्ञान की बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज अभी मैं एप्लीकेशन में करने वाला भी हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं H3PO3 के बारे में, तो यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है, राइट, तो 5 से 2 कम हो गया, इसलिए कौन सा वर्ड लग जाएगा, अस, तो फॉस्फोर के पीछे लगा देना अस, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी, सेम वाई पॉइंट, एक पी डबल बॉन्ड और एक OH फिक्स, देखो इसलिए मैंने सर्कल किया है। अब आपने एक फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन यूज कर लिया, तो अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और 1 हाइड्रोजन बचेगा। इस केस में एक PH बॉन्ड है, तो अगेन 4 ऑप्शन देकर के पूछ सकता है विच कंटेन PH बॉन्ड, तो ये फॉस्फोरस वाला एसिड कंटेन करता है। नाउ इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के अगर एक वाटर हटा दूं,
तो दो मॉलिक्यूल चुपके चुपके बना दिया, एक वाटर मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगा बताओ? प्यार से इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? पायरो। और क्या चलेगा? फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि हमने बेस पॉइंट इसको ले रखा है। फॉर्मूला आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, एवरीथिंग आपके सामने। यहाँ पे अगेन क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पीएच बॉन्ड है, तो दो पीएच बॉन्ड है। बेसिसिटी कितनी है, तो दो, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन आपको एच प्लस के फॉर्म में मिल सकता है। पीओपी लिंकेज कितना है, ये पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, ध्यान से देखो। तो आपको बताया था ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो इसके वजह से चार प्लस, हाइड्रोजन की वजह से एक माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी इसका प्लस थ्री है। ये जो पीएच बॉन्ड हैं, पीएच बॉन्ड यहाँ भी हैं, पीएच बॉन्ड यहाँ भी हैं, जहाँ भी पीएच बॉन्ड होगा तो उसकी वजह से वो ऑक्जो एसिड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए अगर इसकी रिएक्शन आप AgNO3 सॉल्यूशन से कराओगे तो आपको सिल्वर मिल जाएगा। कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कैन गिव Ag ऑन रिएक्शन विथ AgNO3 सॉल्यूशन, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑक्जो एसिड है फॉस्फोरस का जिसमें डायरेक्ट फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो ये भी आपको दे सकता है, ये वाले भी दे सकते हैं। नाउ अगर पायरो में एक ऑक्सीजन कम कर देते तो एज यूजल आप क्या नाम लिखते हैं? हाइपोफॉस्फोरस, राइट, जो आपको ट्रिक बताया। लेकिन ध्यान दें, ये वाला हम नहीं बनाएंगे, जब भी हाइपोफॉस्फोरस बोलेगा तो ये वाला नहीं बनाएंगे। क्यों सर? तो सर ने आपको ज्ञान की बात में एक पॉइंट बताया है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पीपी लिंकेज भी है और पीएच बॉन्ड भी है। हमने बोला है कि कोई भी ऐसा ऑक्जो एसिड नहीं बनाना जिसमें दोनों एक साथ आ जाए, कोई एक ही एट ए टाइम आना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों आ रहा है। इसलिए कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए हाइपोफॉस्फोरस तो आप ये वाला नहीं बनाएंगे। सिमिलरली अगर मैं पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ देता तो क्या हो जाता है? पर ऑक्जो फॉस्फोरस, राइट, स्ट्रक्चर सामने आपके, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर देना है। अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको भी जनरली हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो फॉर्मूला हो गया H4P2O6, जो कि एक्चुअल फार्मूला किसका है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। इसलिए जनरली ये भी आपसे ना पूछा जाता है ना आपको ये ड्रॉ करना है। तो सर अगर हमें हाइपोफॉस्फोरस पूछा गया तो हम बनाएंगे क्या? तो डायरेक्ट एसिड से ही एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो फॉस्फोरस से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन कम कर दे तो क्या हो जाता? हाइपोफॉस्फोरिक, जो कि ऑलरेडी क्या था? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो इसी का एक और नाम क्या हो सकता है? हाइपोफॉस्फोरिक, क्योंकि फॉस्फोरिक से एक ऑक्सीजन निकालने के बाद, राइट, तो अगर मैं अस से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। स्ट्रक्चर बनाना इजी है, क्योंकि अगेन पी डबल बॉन्डो और OH फिक्स, आप चूंकि दोनों ऑक्सीजन यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन यूज कर लिया, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ दो दो पीएच बॉन्ड है, तो सबसे अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो सिल्वर आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑक्जो एसिड हैं जिसमें अगर पीएच बॉन्ड है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसका मैंने आपको आइडिया दिया है। नाउ एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ये जो H3PO2 है इसका एक घर का नाम है, जैसे हम लोग घर में एक प्यार से नाम रखते हैं ना, तो वैसे ही इसका नाम, वैसे तो ये नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस, लेकिन घर में इसको प्यार से क्या बुलाएंगे? फॉस्फीनिक, ध्यान से देखो, फॉस्फीनिक। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, एक वर्ड बच्चे देख लेते हैं और समझते हैं कि वो एक फॉस्फोरिक वाला, ध्यान दो फॉस्फीनिक है, हमने क्या बोला था? फॉस्फोर वर्ड आना चाहिए, ये नहीं आया मतलब ये उसका घर का नाम है, तो कुछ भी रख सकते हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे? फॉस्फीनिक है और इसका घर का नाम क्या है? फॉस्फोनिक। अगर दोनों का स्पेलिंग देखो तो सिर्फ आई और ओ का डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है। तो कैसे याद रखेंगे? I मतलब मैं मतलब एक, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होता है? +1, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का घर का नाम फॉस्फीनिक होगा, समझ गए? और अल्फ़ाबेट में I पहले आता है तो इसलिए +1, इंटीजर में 1 आता है पहले, फिर अल्फ़ाबेट में O बाद में आता है और इंटीजर में 3 बाद में आता है, इसलिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बोलेंगे? फॉस्फोनिक। तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए भी रफी सर ने आपको ट्रिक दे दिया है, 1 वाले को I फॉस्फीनिक, 3 वाले को O फॉस्फोनिक। ये घर का नाम है, इसको उससे रिलेट नहीं करना है कि एक वर्ड लगा हुआ है पीछे, क्लियर है ये पॉइंट?
अगेन अगर मैं डायरेक्ट इससे एक वाटर हटा देता तो नाम क्या हो जाता, मेटाफॉस्फोरस, क्या हो जाता, मेटाफॉस्फोरस एसिड। एक पॉइंट और आप देखिए कि जब हमने इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो यहाँ हाइड्रोजन बच गया, और हाइड्रोजन बच गया तो फिर इसके नेम के आगे इज्जत से क्या लगा देंगे, ऑर्थो, तो इसलिए पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर होगा और आपको फील हो गया होगा, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि आप मेरे ट्रिक्स को सही से समझ लिए तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी लगेगी और उसके किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट और बहुत इजीली कर लेंगे। तो अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये ट्रिक, मेरा ये कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लग जाए कि सच में केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कसकाय, आज हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। देखो बहुत इजी है ये, पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, एस से क्या होता है सल्फर और एस से होता है सिक्स। इससे क्या पॉइंट बनाया मैंने कि विनो सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ये सभी को मालूम है। सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो प्लस सिक्स हो सकता है, राइट, ये भी सिक्स उसी में कनेक्ट कर दिया, और सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम ध्यान रहे मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा ये, ऐसा नहीं कि हर बार इसके ऑक्सो एसिड में 6 बॉन्ड होंगे, इसके ऑक्सो एसिड में आइदर 6 बॉन्ड होंगे मैक्सिमम या फिर 4 बॉन्ड बनाएगा, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बट हमने यहाँ से क्या कनेक्ट किया कि एस से सल्फर, एस से सिक्स, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 6 बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, नाउ सल्फर के ऑक्सो एसिड या सल्फर के खानदान वालों का नेमिंग का क्या स्कीम होगा, तो वो वेरी सिंपल है कि आपको सल्फर वर्ड पूरा लिख देना है और इसके पीछे आपको आइदर अस लगाना है या इक सफिक्स के फॉर्म में, जैसे सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, तो ये रहेगा। इससे पहले प्रीफिक्स में आपको ये नाम ऐड करने को मिलेंगे, पायरो, प्यार से ऐड कर देंगे पायरो, तो क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली पर ऑक्सो वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रतिष्ठा में उसके नाम के आगे पर ऑक्सो ऐड कर सकते हैं, हाइपो वर्ड ऐड कर सकते हैं, हक से उसके नाम के पहले हम हाइपो वर्ड ऐड कर सकते हैं। मेटा वर्ड जनरली यहाँ पे यूज नहीं होता है, बट मेटा भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड में मेटा वर्ड यूज होता है, बट इसमें नहीं होगा। थायो यहाँ होगा, और थप्पड़ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, एसएस लिंकेज से लगता है। थायो तभी आप यूज करेंगे जब सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा होगा, सल्फर सल्फर के बीच लिंकेज होंगे या बॉन्ड होगा, तो ये यूज होंगे। अगेन ऑर्थो यहाँ पे यूज नहीं होता है, वैसे अगर कहीं पे यूज होगा तो इज्जत से उसके नाम के आगे ऑर्थो लगा देंगे। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। तो ध्यान से देखो, अभी जो मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ उससे आप ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के नेम, फार्मूला और स्ट्रक्चर तीनों ही आपकी आंखों के सामने होगा खुली किताब की तरह, इसलिए इससे आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्ट भी। तो कैसे, तो ध्यान से देखो, ट्रिक का पॉइंट ये है कि आपको एक वर्ड कब लगाना है। एक वर्ड आपको तब लगाना है जब आपका सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, डेट इज सिक्स में होगा। तो अगर सल्फर कहीं पे उसके ऑक्सो एसिड में प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कौन सा आपको वर्ड लगा देना है, सल्फर के पीछे एक वर्ड, ओके। अगर उसी का एनायन होगा, एक वाले का अगर एनायन आपने बनाया है तो उसमें 8 वर्ड लगेगा। जैसे ध्यान से देखो, H2SO4 सल्फर प्लस सिक्स में है तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक, राइट, सल्फर में एक जोड़ दिया, और अगर इसी का एनायन बनाते SO4-2NH तो नाम क्या हो जाता, सल्फेट, 8 वर्ड लग गया। सिमिलरली आप अस कब लगाएंगे, अस आपको तब लगाना है जब सल्फर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में, डेट मीन्स
6 में से 2 गया तो 4, अगर सल्फर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपको अस्वर्ड लगाना है। सिमिलरली अस वाले का अगर एनायन होगा तो आपको आइट लगाना है। फॉर एग्जांपल H2SO3, सल्फर यहाँ पे प्लस 4 में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस, अस्वर्ड जोड़ दिया राइट, सल्फ्यूरस। और अगर उसी का एनायन लेते हैं हम तो SO3 2-, तो इसका नाम क्या हो जाता है, सल्फाइट। क्लियर है पॉइंट? और नाउ द मैन ट्रिक कि आपको क्या करना है, सल्फर के किसी भी एसिड का नेम, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कुछ भी ड्रॉ करना हो, समझना हो, तो आपको क्या करना है, आइदर इक वाला पिकअप करना है, आइदर इक वाला पिकअप करना है या फिर अस वाला पिकअप करना है। फिक्स है, इन्हीं दोनों में से कोई एक पिकअप करना है। कौन सा पिकअप करेंगे तो देख लो, जो नेम दिया उसमें पीछे क्या लगाया है, इक लगाया या अस। इक लगाया तो इक वाला पिकअप करते हुए बना देना है, अस लगाया तो अस वाला पिकअप करते हुए बना देना है। करना क्या, वेरी सिंपल, अस या एक वाला मॉलिक्यूल उठाना है, उसके अगर दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर आपने हटा दिया तो प्यार से उसके नाम के आगे पायरो वर्ड लगा देना है। अगर पायरो में एक ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया तो प्रतिष्ठा में इसके नाम के आगे परऑक्सो वर्ड लगा देना है। अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो हक से इसके नाम के आगे हाइपो लगा देना है, जो कि इस केस में थायो के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फर सल्फर के बीच लिंकेज आ जाएंगे। ध्यान दें, सल्फर सल्फर के बीच लिंकेज का मतलब है कि सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड होना चाहिए, वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डैट इज ओके। सल्फर सल्फर अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो थायो वर्ड यूज करेंगे, जो कि मेनली हाइपो में होता है, तो हाइपो का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, थायो। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ध्यान दो कि यहाँ आप दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा रहे हो, तो पायरो इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो परऑक्सो, तो राइट, तो इसीलिए दो मॉलिक्यूल से बना रहे, तो हो सकता है कि आपको डाई वर्ड भी ऐड करना पड़े, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के थ्रू ये बन रहा है। और डायरेक्ट हम इसमें भी चाहे तो ऑक्सीजन ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। इसमें अगर आपने ऑक्सीजन यूज कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, तो क्या यूज करेंगे, पर ऑक्सो यहाँ भी होगा, बट यहाँ पे पर ऑक्सो सिर्फ वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर पर ऑक्सो से पहले आप मोनो वर्ड लगा सकते हो, राइट। सिमिलरली यहीं से ऑक्सीजन कम कर दिया तो हाइपो वर्ड लग जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अस या एक वाला जब आपने पिकअप किया है तो उसके दो मॉलिक्यूल के थ्रू भी बना सकते हैं और उसी के एक मॉलिक्यूल के थ्रू भी बन सकता है, राइट। और अगर आपने एक ही मॉलिक्यूल से वाटर हटा दिया तो फिर उसके नाम के आगे मोहब्बत में मेटा, बट जनरली यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा मेटा वाला सीन इस केस में। तो आई होप ये मेरा आपको ट्रिक्स का स्कीम एकदम क्लियर होगा कि हमें कैसे करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, मैंने H2SO4 पिकअप किया है, राइट। तो H2SO4 में यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, तो इसका नाम क्या रखेंगे आप, सल्फर में आप ऐड कर देंगे एक, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो नाम वेरी सिंपल है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इसका स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ईजी है, राइट। आपको H2SO4 है तो S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, और दो हाइड्रोजन थे तो दो ऑक्सीजन के साथ वो अटैच होंगे, तो H2SO4 का ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 4 σ 0 लोन पेयर से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल शेप हो जाएंगे, राइट। अब इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है कि ये कितना H+ एट ए टाइम दे सकता है, डैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो दो हो जाएगी, वो सारे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच हो वही एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। इसका एक और घर का नाम है, डैट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल, राइट। इसका एक कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अगर इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर आप हटा देते हो तो प्यार से इसके नाम के आगे क्या रख देना, पायरो। तो कैसे, ध्यान से देखो, मैंने चुपके चुपके दो इसके मॉलिक्यूल बना दिए, राइट, और एक वाटर निकालना है तो एक से H और एक से OH वाटर के फॉर्म में हमने बाहर कर दिया। तो देखो आपकी आंखों के सामने स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, नेम है, राइट। तो क्या हो गया, SOS लिंकेज आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पूरा इतना नाम तो रहेगा ही, राइट। अब ये अब चलता रहेगा, इसके नाम के पहले क्या लगा देना है, पायरो। तो देखो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन इसका भी एक कॉमन नेम है, घर का नाम है, डैट इज कॉल्ड ओलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S2O7, राइट।
अब अगेन यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितना एस ओ एस लिंकेज है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो अगेन ये दो ही एच दे सकता है, राइट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी भी प्लस सिक्स है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना वेरी इजी, सल्फर देख लो कितना ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, जितना बॉन्ड बनाया उतना सल्फर पे प्लस लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्स बॉन्ड इसने बनाया है तो प्लस सिक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने एस डबल बॉन्ड ओ हैं, कितने एस ओ सिंगल बॉन्ड है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, राइट। और चूंकि ये सब एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग का ये काम कर सकता है। नाउ अगर आपने पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ऑक्सीजन जोड़ेगा कहाँ, क्यों, क्योंकि सल्फर ऑलरेडी सिक्स बॉन्ड बना रखा है, तो ऑब्वियस बात है ये बीच में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सो। नाउ चूंकि हमने जो ये बनाया वो दो मॉलिक्यूल के थ्रू बनाया, इसलिए डाइवर्ड लगा देंगे, पर ऑक्सो डाई, और ये तो पूरा रहेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन इसका भी प्यार से घर का नाम क्या है, मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मार्शल एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S2O8। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2S2O7। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इन सब में, वो ध्यान देना है कि यही दो सल्फर के ऐसे एसिड हैं, कौन, पायरो एंड परऑक्सो वाला, यही दो एक ऐसा एसिड है जिसमें दो सल्फर होते हुए भी सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड नहीं है, बाकी जितना भी सल्फर का ऑक्सो एसिड होगा, ध्यान दे इस पॉइंट को, बाकी जितना भी सल्फर का ऑक्सो एसिड होगा अगर उसमें मिनिमम दो सल्फर है या दो से ज़्यादा है तो भी चलेगा, तो उसमें सल्फर सल्फर लिंकेज आएगा ही, एक्सेप्ट पायरो जो आपकी आंखों के सामने है क्योंकि एस ओ एस लिंकेज है, एंड परऑक्सो जहां पे एस ओ ओ एस लिंकेज है, समझ गए बात। तो यही दोनों में सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड नहीं आता, बाकी सल्फर का जितना भी ऑक्सो एसिड होगा अगर उसके फॉर्मूला में मिनिमम दो सल्फर है तो सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड आना ही है, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं पायरो से एक ऑक्सीजन कम कर देता तो कम कहाँ से होगा, 20 से इस ऑक्सीजन को हटा देना है, तो देखो फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब आपकी आंखों के सामने, चूंकि हमने पायरो से एक ऑक्सीजन हटा दिया है तो हक से इसके नाम के आगे क्या लगा देना है, हाइपो, और ये पूरा नाम चलता रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, क्योंकि यहीं से हमने इसको पूरा क्रिएट किया है, राइट। इसलिए मैंने बोला था पिकअप पॉइंट एक रखना, उससे सब आपका आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ध्यान से देखो सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड आ गया, इसलिए सिर्फ सल्फर के केस में हम फिर उसका एक और नाम देते हैं थायोनिक, राइट। एक क्यों लगा, क्योंकि एक वाले से हमने लिया था, अगर अस वाले से लगते तो थायोनस हो जाता, समझ गए बात। तो डाई वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के थ्रू बना रहे, तो डाई थायोनिक एसिड, डेट मीन्स हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्या बोल सकते हैं, डाई थायोनिक एसिड। और इसका एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान से देखो इसमें कितना हैच, दो हैच जो कि कॉर्नर पे लगे हुए, सल्फर अभी दो हैं तो दो वो किया और इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जितना चाहे, और ऑक्सीजन सिक्स है फिक्स, तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन आपका फिक्स, हाइड्रोजन फिक्स, सिर्फ सल्फर के नंबर इंक्रीज होंगे, इसलिए मैंने बोला है कि ये थायोनिक सीरीज का हमारा फॉर्मूला हो गया, इस पे बेस भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अब आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे सपोज करो n की वैल्यू 2 ले लिया तो सल्फर टोटल कितना हो गया 4, तो वो जो दो सल्फर है वो कहाँ आपको, तो यही बीच में ऐड करते हुए जाना है, क्यों, क्योंकि सल्फर सिक्स बॉन्ड बनाएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी थायोनिक सीरीज आप बनाएंगे तो आप दोनों कॉर्नर वाले सल्फर को पैक कर देंगे, दोनों कॉर्नर वाले सल्फर को पैक कर देंगे 6 बॉन्ड के थ्रू, अब इधर कुछ भी अटैचमेंट नहीं होगा, जो भी होगा वो बीच में आएगा, टोटल 4 सल्फर है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा, और ये किससे आया, थायोनिक से, तो टेट्रा थायोनिक एसिड। तो इस तरीके से आपको किसी का पूछ ले ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सबका आप स्ट्रक्चर बना सकते हो और सब कुछ आप बता सकते हो, राइट। कितने एसएस लिंकेज हैं ये पूछा जा सकता है, क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस 5 हो जाएगा, इस सल्फर का भी आपका प्लस 5 होगा, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये सल्फर का 0 हो जाएगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आपको ध्यान देना है। सिमिलरली अगर मैं सल्फ्यूरिक में ही एक ऑक्सीजन जोड़ देता तो अगर सल्फ्यूरिक में ही मतलब एक मॉलिक्यूल में ही जोड़ देते तो अगेन पर ऑक्सो वर्ड तो आता ही है क्योंकि पर ऑक्सी लिंकेज आ चुका है, राइट, ऑक्सीजन जोड़ा है तो, बट यहाँ पे मोनो वर्ड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि फिर
इसमें डाई इसलिए लगाया क्योंकि दो मॉलिक्यूल के थ्रू आया, नहीं तो फिर दोनों सेम हो जाते, तो उसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मोनो और सल्फ्यूरिक एसिड रह गई। अगेन इसका घर का नाम क्या है, कैरोस एसिड। क्या बोलेंगे इसको, कैरोस एसिड घर का नाम। एक पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पिकअप किया, और आप सपोज करो कि मैं एक ऑक्सीजन हटा कर करके सल्फर वहाँ पे ले आऊँ, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा राइट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम हो जाएगा चूंकि सल्फ्यूरिक से आपने लिया है राइट, और सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी पूछा गया थायोसल्फ्यूरिक, तो थायोसल्फ्यूरिक कैसे बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा करके उसकी जगह सल्फर ऐड कर देना है, तो सल्फ्यूरिक से बनाया है चूंकि सल्फर सल्फर में लिंकेज आ गया, इसलिए सल्फ्यूरिक से पहले थायोसल्फ्यूरिक। और अगर इसका एनायन बनाएंगे, हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, H2O3 2-, तो एनायन का नाम क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट। 8 क्यों, क्योंकि बताया था इक का एनायन होगा तो 8 वर्ड लगाना है, तो ये थायोसल्फेट होंगे। इसमें अगेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और ये जो सल्फर जो आपने ऑक्सीजन हटा करके जोड़ा उसका -2 है, तो ये भी कई बार पूछा गया, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देख लो, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, एवरीथिंग क्या पूछा जा सकता है और कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सब हमने क्लियर किया है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का भी थोड़ा खास ख्याल रखना है इन सब केसों में। नाउ नेक्स्ट, अगर मैंने H2SO3 लिया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जो कि 6 से 2 कम है, तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फर वर्ड के पीछे लगा देना अस, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड राइट। जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा, एस डबल बॉन्ड हो, और चूंकि 2 हाइड्रोजन थे तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। यहाँ पे एक लोन पेयर भी बच गया इसके पास, तो अगेन यहाँ पे इसके पास 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और शेप जो होगा इसका वो पिरामिडल होगा राइट। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड। अगेन इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा दो, तो दो मॉलिक्यूल चुपके चुपके ड्रॉ कर दो और एक वाटर आप हटा दो, एक वाटर हटा देंगे तो एक से H और एक से OH ले लो, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा इजीली राइट। नाम क्या हो जाएगा, चूंकि दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटा है, तो प्यार से इसके नाम के आगे क्या लगा देना है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब ये चलता रहेगा, ये वाला नाम पायरो वर्ड सिर्फ आगे लग जाएंगे। सिमिलरली अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो वो ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाएगा, परऑक्सी लिंकेज आ गया, तो नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सो सल्फ्यूरस एसिड राइट। तो ध्यान से देखना, सब में एक एक लोन पेयर कैरी होते जा रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है इस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर हैं, तो कितने लोन पेयर हैं तो टोटल बताना है, सल्फर के कितने लोन पेयर हैं तो फिर सल्फर के बताने हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने इसकी बेसिसिटी होगी, इस टाइप का कुछ भी पूछ सकता है राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादातर ये वाला पूछा जाता है कि अगर इससे मैं पायरो से एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो क्या नाम हो जाएगा, हाइपो, हक से हाइपो और सल्फ्यूरस एसिड तो चले गए। अब चूंकि यहाँ पे अगेन सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोनस अस, क्यों, क्योंकि अस से चल रहा है थायोनस एसिड। अगेन थायोनस एसिड का एक पूरा सीरीज ही है और यहीं से वो सीरीज हम क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, दो हाइड्रोजन है फिक्स, सल्फर आपका बीच में इंसर्ट हो सकता है, तो इसलिए N+2, ऑक्सीजन फिक्स है 4, तो H2SN+2O4, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया किसी भी थायोनस एसिड का। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वही वैसे ही सेम, कॉर्नर वाले सल्फर को आपको पैक कर देना है, एक S डबल बॉन्ड O से और एक OS से और एक लोन पेयर से, इधर आप कुछ भी अटैच नहीं होगा, जो भी सल्फर आएंगे बीच में आएंगे। अगर मान लीजिए दो सल्फर ले लेते तो टोटल 4 हो जाता, तो क्या नाम हो जाता, टेट्रा थायोनस एसिड राइट। तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक और पॉइंट की ध्यान से देखो, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड था राइट, इससे ही मैं एक ऑक्सीजन कम कर देता तो क्या मिल जाता मुझे, H2SO3। तो जैसे ये सल्फ्यूरिक है, इससे कम क्या है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा भी हो सकता है, और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड ही एक्चुअली क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसलिए आपको देखना है कि वो कहाँ से क्रिएट किया जा रहा है, हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा, तो इसके पीछे क्या लगा है, इक, सल्फ्यूरिक इक वाला लेना है और उससे ऑक्सीजन करना है, तभी हाइपो आएगा। तो इस तरीके से आपको सारे एसिड का नेमिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, कैसे एग्जाम में कोई भी वर्ड आए तो आपको पीछे देखो अस लगा है या इक, अस या इक से पिकअप करते हुए आपको जो
ट्रिक दिया है, उससे आप एसिड का फार्मूला, नेम, स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर सकते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का आ जाए कि विच कंटेन SS लिंकेज, राइट, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि सभी में सल्फर सल्फर लिंकेज होगा ही एक्सेप्ट पायरो एंड परोक्सो। अगर कहीं पे पायरो है या परोक्सो है तो उसमें सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं होता है, बाकी सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं उसमें सल्फर सल्फर लिंकेज होगा ही, ओनली कंडीशन कि मिनिमम दो सल्फर तो होना चाहिए, तभी तो सल्फर सल्फर बॉन्ड की बात करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये गिवेन है, आपको पता करना हो सल्फर सल्फर लिंकेज होगा कि नहीं विदाउट ड्रॉइंग स्ट्रक्चर, तो इसमें यस होगा, क्यों, क्योंकि ये पायरो या परोक्सो नहीं है। ये O7 आ गया, ये पायरो है तो इसमें नहीं होगा। ये O8 आ गया, ये आपका परोक्सो है तो इसमें भी नहीं होगा, फिर इसमें हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी में होगा एक्सेप्ट पायरो एंड परोक्सो। पायरो पहचानना इजी है O7 और परोक्सो में O8, बाकी सभी में होगा, ओनली कंडीशन मिनिमम दो सल्फर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि H2SO4 से अगर मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया और एक सल्फर ऐड कर दिया तो फार्मूला क्या हो गया, H2H2O3। तो यहाँ पे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इस तरीके से करके, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 2x, ऑक्सीजन 3 है तो -6=0, तो X2 आ गया। तो ये जो X2 आया ये एवरेज आया, एक्चुअली में आपको क्या मिलता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, चूँकि यहाँ पे दो सल्फर हैं तो दोनों का एवरेज निकाला गया। वो एग्जैक्टली चाहिए आपको, एक्चुअल में चाहिए तो आपको बता रखा हूँ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। एक ऑक्सीजन हटा करके सल्फर ऐड कर देंगे, इस सल्फर का -2 होगा और इस सल्फर का आपको +6 होगा। ऐसा क्यों हुआ सर, दोनों सल्फर सल्फर था, तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ध्यान से देखो sp3 है और यहाँ पे sp2 है। परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डैट्स वाई ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, राइट। अब अगर आप एवरेज निकालो +6 -2 का तो वो 2 आएगा, इसलिए यहाँ एक्चुअल आएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो, और ऐसे निकाल दोगे तो एवरेज आएगा। सिमिलरली इस वाले में भी प्रॉब्लम आता है बच्चों को, H2S4O6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन उस मेथड से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2+4x-12=0, तो 2.5 आएगा, जो कि अगेन 4 सल्फर का एवरेज करके आया है। आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए तो ध्यान से देखो, ये थायोनिक एसिड सीरीज वाले हैं, कैसे H2SN+2O6 हो गया, तो उसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बता रखा हूँ, इधर से ये कॉर्नर फिक्स, इधर से ये कॉर्नर फिक्स, बीच में सल्फर ऐड करना है, चूँकि 4 सल्फर हैं तो 2 सल्फर और आ जाएंगे, तो ये जो सल्फर हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इधर कॉर्नर वाले का भी +5, बीच वाले का 0-0 है, राइट, क्योंकि दोनों सल्फर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए अगर आप एवरेज निकालोगे तो 5005/4, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो इसलिए केयरफुल होना है, अगर एग्जैक्ट पूछा है तो स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे, एवरेज पूछा है तो आप डायरेक्ट उस मेथड से निकाल सकते हो। तो आई होप ये पूरा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इस पे बेस आप किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली कर सकते हो। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो तो आप हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहें। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका रफी सर, और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिलों से मैं निकाल दूं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन को रटने का डर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात नंबर 1 ये है कि जो भी ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन होगा उसमें मेनली ये 4 वर्ड ही यूज होते हैं, आइदर एक वर्ड यूज होगा या फिर अस वर्ड यूज होगा, और यू नो ये दोनों वर्ड नेम के पीछे लगेंगे, जैसे क्लोरिक क्लोरस तो पीछे लगा, और पर वर्ड लगेगा या हाइपो वर्ड लगेंगे, और ये दोनों नेम के आगे लगेंगे, लाइक पर क्लोरिक पर क्लोरस, हाइपो क्लोरिक हाइपो क्लोरस, इस टाइप से। नाउ सेकेंड थिंग जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक वर्ड कब लगाएंगे, तो इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन आपको एक वर्ड तभी लगा देना है जब हैलोजन
प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान दें, हैलोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो सकता है, बट इस केस में आपको एक बार उसके प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लगा देना है, एंड अस्वर्ड एज यूजुअल जब उससे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, दैट मींस प्लस 3 होगा, तो अस्वर्ड लगा देना। और नेक्स्ट जो ज्ञान की बात है, जो ऑलरेडी आप जानते हो कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन पार्ट की, तो दैट इज वेरी सिंपल। आप यहाँ पे समझो तौर से कि अगर मैंने ले लिया एक HClO3 और एक मैं लेता हूँ HClO2, तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन है, तो इसलिए हम वर्ड इस एसिड का क्या लिखेंगे, नाम क्लोरिक एसिड। एक वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए हमने एक लगा दिया। और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन से क्लोरस एसिड। एक बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्लोरिक है, एक होता हाइड्रोक्लोरिक HCl, दैट इज हाइड्रा एसिड, जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन है, और वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ऑक्सो एसिड, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो सिर्फ क्लोरिक वर्ड आएगा। नाउ इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है, अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो यू नो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और 1 OH और एक लोन पेयर है। तो इस पर जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, लाइक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना Cl और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ अगर इसमें सपोज करो हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो फॉर्मूला विल बी HClO4 और नाम क्या हो जाएगा, तो आपको पता है क्योंकि पीक पॉइंट आपका ये था, तो आप इसके नाम के आगे सिर्फ वर्ड क्या लगा देंगे, यहाँ पे पर और क्लोरिक एसिड रहेगा, पर क्लोरिक एसिड, ध्यान है पर ऑक्सो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पर ऑक्सी इंक्रीज नहीं आएगा, इसका स्ट्रक्चर सिंपल एक और Cl और बॉन्डो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें कितने Cl डबल बॉन्ड O है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। सेकेंड थिंग, अगर इसका एनायन में बनाओ तो यू नो एनायन क्या हो जाएगा, ClO3-, ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन उसको हटा देंगे तो ये एनायन हो गया। चूंकि ये एक से बना है तो आपको बताया था इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरेट, 8 वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। अब इसमें जो भी कैटायन लगाएंगे, लाइक सोडियम अगर लगाया तो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, पोटेशियम लगाया तो पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, तो डेट्स वेरी इजी। वैसे ही अगर इसका मैं एनायन बनाऊं तो ClO4- होगा और इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरेट। तो देख सकते हो तो बहुत ही इजी है, एक वाले का एनायन बनाएंगे तो 8 वर्ड जोड़ना है, स्ट्रक्चर इजी है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको समझा दिया। सिमिलरली आपने जब HClO2 की बात की, क्लोरस एसिड हो गया। नाउ अगर मान लो कि मैं इससे एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा HOCl या HClO और नाम क्या हो जाएगा, चूंकि कम किया है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। और इसका स्ट्रक्चर भी इजी है, पहले तो Cl डबल बॉन्ड O, दो ही ऑक्सीजन है तो एक OH और यहाँ पे 2 लोन पेयर रखेंगे, और इसका भी स्ट्रक्चर वेरी इजी है, Cl और एक ही OH रहेगा और इसके पास 3 लोन पेयर रहेंगे क्योंकि क्लोरीन के लास्ट चेन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगेन अगर मैं इसका एनायन बनाता तो एनायन क्या हो जाता, ClO2- और इसका नाम क्या हो जाता, चूंकि ये अस वाले से बना है तो नाम हो जाता है इसका क्लोराइड, यू नो अस वाले में लास्ट में क्लोराइड लगा, और इसका नाम क्या हो जाता है अगर इसका एनायन बनाते तो ClO- का हाइपोक्लोराइड। तो आप देख सकते हो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, एक वाले का एनायन बनाया तो 8, अस वाले से एनायन बनाया तो आइट लास्ट में, और एक कब लगाना है प्लस 5 में, अस कब लगाना है उससे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस प्लस 3, अगर ऑक्सीजन जोड़ दिया तो फॉरवर्ड
कम कर दिया तो हाइपो वर्ड, और ऑक्टो एसिड ऑफ हैलोजन में यही चार वर्ड यूज होते हैं। अब अगर आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसमें डेट इज HClO2 में एक ऑक्सीजन जोड़ देता तो क्या बन जाता HClO3। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने HClO2 में एक ऑक्सीजन जोड़ा है तो HClO3 बन गया। तो HClO3 का नाम तो ऑलरेडी क्लोरिक एसिड है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कहना पड़ेगा कि ये पर क्लोरस एसिड भी है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरस था और उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या वर्ड लगा देना पर, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा पर क्लोरस एसिड। तो ऐसे भी हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज योर पर क्लोरस एसिड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं HClO3 से अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर देता, अगर यहीं पे समझो अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दिया होता तो एक ऑक्सीजन जैसे आप कम करते तो हाइपोवर्ड लगाना पड़ता, लेकिन किससे कम किया क्लोरिक से, तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है हाइपो क्लोरिक एसिड। तो आप यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि लास्ट में आपको देखना है इक लगा है कि अस, अस लगा है तो अस से आपको सोचना है, इक लगा है तो आपको इक से सोचना है। नाउ अब जाते जाते मैं अगेन कुछ इम्पोर्टेंट ज्ञान की बात करना चाहूंगा और यू नो कि ये बहुत ही जरूरी है और इसको आपको सीरियस लेना भी है। तो ज्ञान की बात में ज्ञान की बात नंबर वन कि जो फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही ऑक्टो एसिड बनाता है, दैट इज हाइपो फ्लोरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपो फ्लोरस एसिड। तो फ्लोरीन ओनली वन ऑक्टो एसिड बनाता है। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम ऑक्टो एसिड किसके एग्जिस्ट होते हैं तो दैट इज फ्लोरीन। पॉइंट नंबर टू कि जितने भी ऑक्टो एसिड हैं चाहे वो फास्फोरस के हो, सल्फर के हो या हैलोजन के हो, सभी में जो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे लाइक ऑक्टो एसिड ऑफ फास्फोरस में या ऑक्टो एसिड ऑफ सल्फर में या ऑक्टो एसिड ऑफ हैलोजन में हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये एक कॉमन पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर थ्री कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये बातें 99% सही है क्योंकि एक जगह पे एक्सेप्शन है दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस के केस में उल्टा होता है, बाकी सब केस में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैं हैलोजन का ही ले लूं तो प्लस वन से ज्यादा एसिडिक प्लस थ्री वाले होंगे, प्लस थ्री से ज्यादा एसिडिक प्लस फाइव वाले होंगे, प्लस फाइव से ज्यादा एसिडिक प्लस सेवन वाले होंगे। लाइक हाइपोक्लोरस से ज्यादा क्लोरिक, क्लोरिक से ज्यादा सॉरी हाइपोक्लोरस से ज्यादा क्लोरस, क्लोरस से ज्यादा क्लोरिक, क्लोरिक से ज्यादा परक्लोरिक, ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। एंड लास्ट पॉइंट कि जनरली जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो उसका प्लस थ्री ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला जो एसिड है वो अनस्टेबल होता है, जल्दी एग्जिस्ट नहीं होता है। ध्यान रहे ब्रोमीन एंड आयोडीन का भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला जो एसिड है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं होता है। तो फाइनली मैंने जो ऑक्जो एसिड की ट्रिक्स थी दैट इज ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस सल्फर एंड हैलोजन उसको कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली देख रहे होंगे, देखने के बाद आप नोट्स बनाते होंगे और नोट्स बनाने के बाद जो प्रीवियस सेट में पूछे गए क्वेश्चन है उसको मेरे ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सही से अगर आप वीडियो लेक्चर को फॉलो करेंगे और उसके नोट्स बनाते हुए आप प्रीवियस सेट के प्रॉब्लम को कर लेंगे तो आपका केमिस्ट्री में इजीली मार्क्स आएगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जो नीडी पीपुल हैं उसमें ज़रूर इसको फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक दूंगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। हेलो बच्चों कैसे हो, आई होप आपने मेरे ऑक्जो एसिड
के जो वीडियो लेक्चर थे उसको सही से फॉलो किया होगा, उसके ट्रिक्स को सही से समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। नाउ उसको एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट के अंदर में करना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, उसके बारे में आइडिया मैं इस वीडियो लेक्चर में देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे। जो मैंने क्वेश्चन अभी लिए हैं वो 2023 के हैं और ये 15 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस से रिलेटेड था। क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन H4P2O7, HPO3O3 एंड P4O10। नाउ आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया होगा? तो यू नो अपने पास सिर्फ एक वाला पिकअप करना था या अस वाला। तो अगर H3PO4 लूँ मैं तो फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 लूँ तो फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे चूँकि ज़्यादा ऑक्सीजन है तो H3PO4 वाला लेंगे। H3PO4 के दो मॉलिक्यूल ले करके अगर एक वाटर निकालोगे तो ये H4P2O7 आ जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर निकालने का मतलब आपको बताया था कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं उसमें एक पी डबल बॉन्ड बनाना ही है और एटलीस्ट एक ओएच रखना है। चूँकि वी आर टेकिंग H3PO4 सो एक और ओएच होंगे और ये ओएच और उधर वाले का जो ओएच है वो वाटर के फॉर्म में निकाल देंगे। तो ये आपका बन जाएगा एक्चुअल में पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ इसमें देख सकते हो कि POP लिंकेज 1 है और ये 0 है और ये 0 है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप 50-50% में आ चुके हो आप। नाउ अगर HPO3 की बात करें तो यू नो H3PO4 से अगर मैं एक वाटर निकालूंगा तो HPO3 आएगा, और इसके तीन मॉलिक्यूल अगर लूंगा तो ये ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो तीन फास्फोरस, अगेन सेम पॉइंट कि सबको एक पी डबल बॉन्ड ओ देना है और एक एटलीस्ट ओएच बॉन्ड इसके पास होने चाहिए। तो ये आप पहले ड्रॉ कर दो। नाउ आपके पास सिर्फ अब तीन ऑक्सीजन बचे हैं तो जो कि बीच में POP लिंकेज से होंगे। तो इसमें तीन POP लिंकेज हैं जो आप देख सकते हो यहाँ से। तो फिर ये 2 होने की वजह से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो ओनली ऑप्शन डी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं भी मालूम था तो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। नाउ बाय द वे अभी तो मैं आपको बता देता हूँ P4O10 का कैसे बनाएंगे। तो अगेन वेरी सिंपल, यू हैव 4 फास्फोरस ऐसे ड्रॉ कर दीजिए आप, एंड सबको एक पी डबल बॉन्ड आपको देना ही है तो एक पी डबल बॉन्ड दे दीजिए और सबको POP लिंकेज से फिर कनेक्ट कर दीजिए। नाउ अभी तक फास्फोरस ने 4 ही बॉन्ड बनाया, और यू नो फास्फोरस अपने ऑक्सो एसिड में या ऑक्साइड में भी 5 बॉन्ड बनाएंगे ही। तो एक पी को इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए और एक को इस तरीके से, तो आप इसमें देख सकते हो 6 POP लिंकेज है। सो आंसर विल बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्वेश्चन 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछा गया है, और ध्यान दें पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो मैं कैसे जा रहा हूँ वो ध्यान दो आप, एक वर्ड लगा हुआ है इसलिए मैं क्या ले लूँगा H3PO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड, तो फॉस्फोरिक वर्ड आ गया। और पायरो कब लगाते थे, जब इसके दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाएंगे। तो इसका दो मॉलिक्यूल पहले आप ले लें और फिर एक वाटर हटा दें तो रेडीमेड स्ट्रक्चर आपके आँखों के सामने है। तो ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ही बन गया आपके सामने। अब इसमें क्या पूछा है तो वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। इंटीजर टाइप में ये प्रॉब्लम था, रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करूं तो ध्यान दो एक मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं, ये OH के पास भी सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा यहां है, एक सिग्मा यहां है, दो एक सिग्मा इसमें भी होंगे क्योंकि एक पाई होगा, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है, रेस्ट पाई होते हैं।
तो ये 3 हो गए, ये 4, इसमें हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो सिग्मा इज 12 एंड पाई यू कैन सी कि ओनली 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, तो पाई इज 2, सो सिग्मा बाय पाई विल बी 12/2, दैट इज 6 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक, एक वर्ड लगा हुआ है एंड पर वर्ड लगा हुआ है ब्रोमिक। तो यू नो हैलोजन के केस में बोला था हमने कि जो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें ही एक लग जाता है, तो ब्रोमिक है तो ये क्या हो जाएगा, HBrO3, और ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लग गया। पर ब्रोमिक कैसे, जब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे डैट विल बी HBrO4 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 7। सो दोनों का सम पूछा गया है तो 7+5 डैट इज 12 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, अगेन फॉस्फोरस के बारे में पूछा जा रहा है, हाइपो और फॉस्फोरिक, देखो एक वर्ड लगा हुआ है तो यू नो एक लगा हुआ है तो मैं क्या ले लूँगा, H3PO4। और हाइपो वर्ड कब लगाते थे, जब इसके दो मॉलिक्यूल लेकर करके एक वाटर मॉलिक्यूल आप हटा दोगे तो यू विल गेट हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और फिर उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल लेने के बाद एक वाटर हटाते तो POP आता, फिर उससे एक ऑक्सीजन कम करते तो डायरेक्ट आपको PP लिंक के जाएंगे यहाँ पे। नाउ फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट में यू नो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सो यहाँ पे इसकी वजह से 4+ क्रिएट होंगे, और यहाँ पे दोनों PP हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सो इसकी वजह से कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर विल बी 4। और ये 31 जैन को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। तो मैंने वीडियो लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन का आइडिया दिया था, AgNO3 से सिल्वर मिरर कब बन सकता है, यू नो Ag यहाँ पे +1 में है तो ये जब +1 से 0 में जाएगा तो सिल्वर फॉर्म होगा, और सिल्वर में फिर आपको चेहरा दिखेगा अपना, तो डैट इज सिल्वर मिरर। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन देगा, तो जिसके पास pH बॉन्ड होंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच होगा क्योंकि वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो अब हम कैसे ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखो ये मेटाफॉस्फोरिक वाला, ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि अगर H3PO4 के एक वाटर को हटाऊंगा तो HPO3 मिलेगा, तो इसमें तो एक भी pH बॉन्ड नहीं था क्योंकि सारे POH थे, तो ये तो नहीं होंगे। नाउ H4P2O5, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो डेफिनेटली अस वाले से हम सोचेंगे, तो H3PO3 के दो मॉलिक्यूल को लेकर के एक वाटर हटाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, डैट इज पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो इसमें डेफिनेटली pH बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं क्विकली यहाँ पे बना देता हूँ, एक PO और एक POH एटलीस्ट होना चाहिए था, एक H और एक ये POP लिंकेज से अगेन सेम इधर ये रहेंगे। तो आप देख सकते हो ये H4P2O5 का स्ट्रक्चर बन गया, चूँकि यहाँ पे दो दो pH बॉन्ड है तो ये शो करेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। H4P2O6 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये कैसे हम सोच सकते हैं, H3PO4 के दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाएंगे तो H4P2O7 आएगा, उससे एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो H4P2O6 आ जाएगा। तो ये फॉस्फोरिक से बना हुआ है और इट इज़ एक्चुअली हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें कोई pH बॉन्ड नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, और यहाँ पे ये देख सकते हो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो ये जो 2023 में मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हमने बताया, टोटल 5 क्वेश्चन ऑक्सो एसिड से उस एयर में पूछे गए थे डिफरेंट शिफ्ट में। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा नहीं समझे नीट वाले बच्चे कि सर सिर्फ मेंस का बता रहे हैं, नीट वाले क्वेश्चन अगर आपने मेंस के कर लिए तो नीट वाले प्रॉब्लम तो वैसे भी आपके लिए बहुत ईजी है, और अगर आपने मेरे ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो नीट के क्वेश्चन तो आपसे और भी ईजी वे में होंगे। जैसे नीट में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सल्फर के ऑक्सो एसिड पे था, और क्वेश्चन वाज के पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिस
सल्फ्यूरस एसिड में SOH बॉन्ड कितने हैं, S डबल बॉन्डो कितने हैं, SOS लिंकेज कितने हैं, SOOS लिंकेज कितने हैं, मैच द फॉलोइंग में था ये जस्ट मैंने। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा, तो लेकिन वो तो मेरी ट्रिक से बहुत ईजी हो चुका है। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो सल्फ्यूरिक, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आप क्विकली बना लेंगे, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। पायरोसल्फ्यूरिक दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाना है, तो अब मैं डायरेक्टली क्विकली बना रहा हूँ, आई होप आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो ये हमने बना दिया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का, पर ऑक्सो में एक और ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो सब आपकी आंखों के सामने ही रहेगा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम पूछ ले आप इजीली कर पाओगे। एंड नाउ द सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड भी इजी है, H2SO3 एसवर्ड लगा हुआ है, तो इसमें दो OH एक लोन पेयर होंगे। तो मैच द फॉलोइंग में सब आपको मालूम था, आपकी आंखों के सामने था, तो आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि H2SO3, H2SO4, H2S2O8 एंड H2S2O7 में नंबर ऑफ परऑक्सो बॉन्ड इंटीजर टाइप में 29 जुलाई शिफ्ट 2 में, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो कितना इजीली, और अगेन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, इंटीजर टाइप में जो 10 में से कोई 5 करने होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, जस्ट उसका सही सिलेक्शन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। नाउ पर ऑक्सो लिंकेज कब आया था, जब किसी भी अस या इक वाले एसिड को उठाएंगे उसके दो मॉलिक्यूल लेके एक वाटर हटाएंगे तो पायरो, फिर उसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो पर ऑक्सो। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये तो सल्फ्यूरस है तो यहाँ तो ये सिंगल अस वाला है, ये सल्फ्यूरिक है तो यहाँ तो पर ऑक्सो लिंकेज की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे इसमें हो जाएगा क्योंकि ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पायरो है, तो पायरो में SOS लिंकेज होंगे, तो आंसर विल बी 1। देखो आप कितना इजी पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में ही कि किस ऑक्सो एसिड में सल्फर का 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस क्वेश्चन को आप कैसे थिंक करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो H2S2O3 ये जो फार्मूला है ये किस तरीके से आ पाएगा, जो आपको हमने तरीका बताया है उस तरीके से नहीं है, लाइक दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाओ इस टाइप का नहीं है, या फिर उसमें ऑक्सीजन जोड़ो कम करो, बट उसी टाइप का है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पे H2SO4 लिखता तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता, बट अब क्या किया गया, अब यहाँ से यहाँ में कंपेयर करो तो क्या किया गया है, एक ऑक्सीजन को हटाया गया है और उसकी जगह पे एक सल्फर को ऐड कर दूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना भी हमारे लिए क्या हो चुका है, इजी हो चुका है। और वो कैसे, तो वो आप ऐसे देख सकते हो, H2SO4 में S डबल बॉन्डो OH कर देंगे आप, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर देंगे। नाउ ये जो सल्फर है आपका ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि 6 बॉन्ड है, और ये सल्फर -2 में। जो कन्फ्यूज़न होता है या बच्चों को समझना आता है कि सर दोनों सल्फर सल्फर था तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो आपने क्यों इसका -2 लिया और इसका +2 लिया। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है बट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1σ2 लोन पेयर से sp2 है। यू नो जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दो बॉन्ड की वजह से 2 माइनस आएंगे तो इस पर 2 प्लस आएंगे, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे अगर मान लो किसी को इसके बारे में नहीं मालूम होता फिर भी वो कर सकता था, ये आपका कौन सा है, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें दोनों सल्फर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ये आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपका परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर हटाएंगे तो ऑप्शन सी वाला आता, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ते तो ऑप्शन डी आता, उसमें एक कम करते तो ऑप्शन बी आता, और इन तीनों में ही सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहते, डिफरेंट नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट इन सल्फ्यूरस पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड।
आप देख सकते हो सल्फर के ऑक्सो एसिड को बार बार या फिर फास्फोरस के या हैलोजन के, और इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। इसलिए मैंने बात की है कि कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बुक के पीछे भागते हैं, ये इससे इतना क्वेश्चन कर लेना है, इससे इतना क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन भले ही आप कम करो बट कंसेप्ट को आपको सही से पकड़ना है। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इजीली मेंस या नीट के प्रॉब्लम आपसे हो जाएंगे। नाउ इस पे बात करें अगर तो सल्फ्यूरस परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में एस डबल बॉन्ड हो तो यू नो सल्फ्यूरस कौन सा हो गया, H2SO3, तो उसमें एस डबल बॉन्ड हो तो एक ही होगा, तो एक होगा, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये सी डी मैं पहले निकाल दूंगा। और पायरो सल्फ्यूरिक और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक भी बनाना इजी है। पायरो सल्फ्यूरिक अगर मैं पहले बना लूँ तो यू नो SOS लिंकेज के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें आप देख सकते हो एस डबल बॉन्ड फोर हो जाएंगे, तो फोर वाले ये दोनों ही थे। और जब पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक बनाओगे तो एक और ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगा, तो अभी भी ये एस डबल बॉन्ड फोर ही रहेंगे, तो 144 सो ऑप्शन विल बी। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सीएलओ बॉन्ड इन क्लोरस, तो यू नो क्लोरस और क्लोरिक एक प्लस फाइव में लगेगा, तो ये आपका है HClO3, ये आपका है HClO2, और पर क्लोरिक इज आपका HClO4। तो आपको मालूम है कैसे बनाना है, वेरी सिंपल, Cl डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया HClO2, तो इसमें वन होंगे, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो इंक्रीज होगा, तो इसी में मैं बना दे रहा हूँ, दो आ जाएंगे, और इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसमें एक और आ जाएंगे, तो तीन हो जाएंगे, तो 1, 2, 3 सो ऑप्शन विल बी डी। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो पहले वाले में वन है इसलिए ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते, और दूसरे वाले में वन वन तो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में, उसके आगे वाले में टू होता जबकि यहाँ पे वन है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। तो आपको इस टाइप से जाना है, और आप देख सकते हो कि मेरे ट्रिक से ये कितना इजी वे में हो रहा है। तो चलिए ये 10 प्रॉब्लम हमने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको एक आइडिया आए कि सर कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना बता रहे हैं, कैसे आपको प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसका भी भला होगा तो वो आपको दुआ ही देंगे। एंड जो बाकी के प्रॉब्लम बचे हुए हैं, आई होप कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उस सारे प्रॉब्लम को आप प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसको कर लेंगे मेरे ट्रिक से, जिससे आपका ये ऑक्सो एसिड से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आप इजीली उसको कर पाओगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो, मैं हूं आपका रफी सर, और आज मैं हटा दूंगा आपके मन से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रटने का डर। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इस गर्मा गर्म ट्रिक से। यू नो कि नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने उसी से कनेक्ट किया है कि नाइट्रोजन 5 डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड भी बनाएंगे, जिसको मैं सीरियल नंबर से उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ। तो ट्रिक का जो पहला पॉइंट है कि सीरियल नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये तो किसी को भी याद हो जाएगा, राइट। 1, 2, 3, 4, 5 ये सीरियल नंबर भी हो गया, और यही नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गए उसके ऑक्साइड में। नाउ नंबर ऑफ नाइट्रोजन को कैसे याद रखेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल। नंबर ऑफ नाइट्रोजन को याद रखने का तरीका है 2, 1, 2, 1, 2, ध्यान से देखो 2, 1, 2, 1, 2, दैट्स वेरी इजी। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए सिंपल यहाँ से आप एक मैथ का बेसिक फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2। तो जैसे अगर मैं पहले वाले में निकालूं तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज
2 here and oxidation state is 1 here. That should be equal to number of oxygen, we don't know, that is x into 2. So here x will be 1. So yahan pe number of oxygen main likh dunga 1. Now next, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन नंबर ऑफ n इज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. और यहाँ पे आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5. डैट्स वेरी इजी. तो देखो मैंने तीनों पार्ट को इजीली कैसे कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, 2 1 2 1 2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे. तो फाइनल फार्मूला आपके सामने आ गया है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, N2O. नाउ नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ NO, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन तो N2O3, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन तो NO2, एंड 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन तो N2O5. देखो मैंने किस तरीके से गर्मा गर्म सारे फार्मूला ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निकाल दिया हूँ. नाउ ये पैरा होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा या ट्रिक यहाँ मैंने ट्रिक नंबर 2 में लिखा है. आप कैसे पहचानेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक, दैट्स वेरी इजी. आप क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे. अगर वो इलेक्ट्रॉन का काउंट ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन आ रहा है तो डायमैग्नेटिक होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नाइट्रोजन है तो 7 to the 14 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ध्यान रहे, और ऑक्सीजन का 8 तो 22 इज इवन नंबर, तो इट विल बी डायमैग्नेटिक. नाउ इसमें काउंट करोगे तो एक नाइट्रोजन का 7 और एक ऑक्सीजन का 8, 15 ऑड नंबर, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक. नाउ N2O3 में अगर हम बात करें तो 2 नाइट्रोजन है तो इवन नंबर, 3 ऑक्सीजन है तो भी इवन नंबर, इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही होगा, सो इट विल बी अगेन डायमैग्नेटिक. यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑड नंबर, ऑक्सीजन का इवन नंबर, तो ऑड प्लस इवन ऑड ही होगा, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक. और सिमिलरली हियर इवन और इवन है तो डायमैग्नेटिक. तो देखो आपको कैसे इजी वे में पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक करेक्टर पहचानने आ गया. तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, विथ सम एक्सेप्शन है वहाँ पे, वो जब MOT की ट्रिक दूंगा तो वहीं पे हम बात करेंगे. नाउ फेज, डैट मीन्स किस स्टेट में ये गैस आपको मिलेगी रूम टेम्परेचर पे. तो पहले वाले में आपको गैस फेज लिख देना है, उसके बाद एक ट्रेंड बना देना है. गैस से स्टार्ट करते हो, गैस सॉलिड, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं. पहले वाले को हमने गैस रखा क्योंकि गैस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैंने गैस लिखा, गैस सॉलिड. कलर में दो ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उसमें दो ही ऑक्साइड कलरफुल हैं, एक ऑक्साइड प्लस 3 वाली और एक ऑक्साइड प्लस 4 वाली. तो प्लस 3 वाली का जो कलर है वो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि इसका कलर ब्लू कलर है, और जो प्लस 4 वाले ऑक्साइड हैं उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन. बाकी को मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपको वाइट दिख रहा होगा, डैट मीन्स वाइट कलर यू कैन से और कलरलेस. तो ध्यान रहे नाइट्रोजन की सिर्फ दो ही ऑक्साइड कलरफुल हैं, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ब्लू कलर की हैं एंड प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली रेडिश ब्राउन है. नाउ नेचर इन द सेंस कि ये एसिडिक होंगे नेचर में या फिर न्यूट्रल होंगे, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो बेसिक की तो बात हो नहीं सकती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि उसको कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए भी हमने एक सिंपल सा ट्रिक दिया है, ट्रिक नंबर 4, कि CNNO याद रखना है. यू नो CNN करके एक न्यूज चैनल आता है, CNNO का मतलब क्या है कि हर को एक बार ऑक्सीजन से अटैच करना है, तो C को O के साथ किया तो क्या बन गया, CO, इट विल बी न्यूट्रल ऑक्साइड. N को O के साथ अटैच किया तो क्या बन गया, NO. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ये NO है ये एक्चुअली में कैसा है, तो नेचर में न्यूट्रल है. यहाँ पे N का मतलब है न्यूट्रल, OS जहाँ पे भी लिखा उसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट करोगे तो N2O, और ये भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, तो आपका ये वाला भी न्यूट्रल होगा. नाउ रेस्ट जो है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो क्या होंगे, एसिडिक,
तो आपको लिख देना एसिडिक। तो न्यूट्रल जो ऑक्साइड हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में वो यही तीन भी हैं, और इसको कैसे याद रखेंगे उसका हमने सिंपल ट्रिक दिया है, CNNO करके एक बार C के साथ O, एक बार N के साथ O, चूँकि दो बार नाइट्रोजन है तो फिर दो नाइट्रोजन के साथ हो, ये तीन ऑक्साइड न्यूट्रल होती हैं। डैट मीन्स इट कांट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। नाउ एक और ट्रिक हमने लिखा है पॉइंट नंबर 3 में कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं किस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड होगा या किस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप क्या करेंगे, उसके ऑक्साइड में नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेंगे। अगर नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो 0.5 या उससे ग्रेटर आता है तो डेफिनेटली जो उसके ऑक्साइड के स्ट्रक्चर होंगे उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। जैसे उसको हम वेरीफाई करें तो पहले वाले में अगर बात करूँ मैं N2O में, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, रेशियो विल बी 2 इज ग्रेटर देन 0.5, तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड आएगा। सिमिलरली NO, तो NO में तो हम बात ही नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड अगर पूछ रहा है तो एटलीस्ट दो नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर मैं N2O3 में बात करूँ तो 2/3 डेट इज 0.67 डेट इज ग्रेटर देन 0.5, तो अगेन इसके भी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो इसमें NN बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट लिंकेज होंगे। NO2 में अगेन हम बात नहीं कर सकते, रीजन एक ही नाइट्रोजन है। N2O5 में अगर मैं बात करूँ तो 2/5 इज 0.4 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0.5, डेट्स वाई N2O5 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं होगा, एक्चुअली में नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन होगा, फिर ऑक्सीजन दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जाए कि विच कंटेन NN बॉन्ड, तो आप सिंपल मेरे ट्रिक नंबर 3 से उसको ईजिली कर सकते हो। नाउ ये जो आपके पास ऑक्साइड हैं उसके नेमिंग के दो तरीके हैं। एक तो नेमिंग का तरीका यह है कि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना है उसके अकॉर्डिंग आप बता दो। जैसे पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरे वाले का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरे वाले में दो नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन है तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, चौथे वाले में नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, पांचवे वाले में डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये वाला नेम वेरी सिंपल है कि कितने नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है उस तरीके से बताना। और एक और नेमिंग चलता है, डेट इज सबको आप नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, बट लिखेंगे कैसे, तो जैसे मैं थर्ड वाले को लिख के बता रहा हूँ तो आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, और जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको रोमन नंबरल में स्मॉल ब्रैकेट में दिखाना है और ऑक्साइड लिख देना है। तो ये भी एक तरीका है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिए जाएँ इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में तो थोड़ा ध्यान रखना है, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, डेट इज N2O3, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बोलता है तो NO2, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड तो N2O5, या फिर उसके ही नेम को ऐसे भी दे सकता था, N2O3 अगर होता तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको सही से समझ में आया होगा। और देखो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर दिया है, जितने भी क्वेश्चन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से पूछे गए हैं वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से उठाया जाएगा। नाउ जाते जाते अगेन एज यूजुअल मैं आपको कुछ ज्ञान की बात दूंगा, तो और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको सीरियस भी लेना है। तो ज्ञान की बात नंबर 1 में कि आप अगर NO की रिएक्शन N2O4 से कराएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बट द टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है 250 केल्विन। अगर मैं NO की रिएक्शन N2O4 से 250 केल्विन पे कराता हूँ तो क्या मिलेगा, डैट्स वेरी सिंपल। आप कैसे याद रखेंगे इस रिएक्शन को, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और N2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर बच गया, 3, तो आपको क्या कर देना है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना देना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप ध्यान से देखो तो एक जादू टाइप का हो गया कि ये एक कलरलेस गैस थी, बाय द वे ये भी एक कलरलेस गैस है, बट आपको यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। तो अगर आपको पैसे कमाना हो तो आप बच्चों को बुला कर करके बोलेंगे कि ये देखो जादू, दो कलरलेस गैस को मिलाया और मिल गया ब्लू कलर। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो ब्लू कलर है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3,
ज्ञान की बात नंबर टू, दैट्स अगेन वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आपने NO2 को कूल कर दिया, कूल करने से कोई भी चीज़ क्या आती है, क्लोज आती है, तो डैट मीन्स इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर करके N2O4 बना देंगे। और अगर मान लो इसको आपने हीट कर दिया तो फिर ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी एक जादू की बात है, वो कैसा है कि इसका कलर जो था आपका वो रेडिश ब्राउन था, ये रेडिश ब्राउन कलर का था आपका। रेडिश ब्राउन कलर की गैस को अगर आप कूल करोगे तो यू विल गेट कलरलेस गैस। तो यहाँ पे भी आपका एक जादू टाइप का हो रहा है। और अगर एक कलरलेस गैस को हीट करोगे तो यू विल गेट रेडिश ब्राउन कलर गैस। तो ये ध्यान रहे ऐसा क्यों हुआ। तो NO2 आपको बताया ट्रिक में, NO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल कर करके ये डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। डैट्स वाई यहाँ पे NO2 कलरफुल है, बट ध्यान रहे N2O4 कलरलेस है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, बट NO2 पैरामैग्नेटिक वाला कलरफुल है और डायमैग्नेटिक वाला यहाँ पे कलरलेस है। ज्ञान की बात नंबर 3 जो है, डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो क्या ये ऐसे बना लेंगे हम, N2 और O2 की रिएक्शन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे। सपोज कोई भी ऑक्साइड में लिखता हूँ N2O3 या फिर पहले मैं लिखता हूँ NO एंड सो ऑन, क्या ये बन जाएगा। तो ध्यान दें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जनरली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे। उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड को ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये जो रिएक्शन अगर आप करवाना भी चाहते हो तो आपको 2000 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो कि हमारी पहुँच से बहुत बाहर भी है इतना टेम्परेचर को रीच करना। डैट्स वाई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ये इजीली रिएक्ट करते तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते, फिर वो वाटर से रिएक्ट कर करके एसिड बनाते, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम नाइट्रोजन को एज ए इनर्ट मीडियम भी बहुत जगह पर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी वेरी वेरी लेस होती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कभी भी रिएक्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। नाउ लास्ट ज्ञान की बात में 4 नंबर कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी पढ़ाए हैं तो उसमें स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबका बच्चे बना लेते हैं, मेजर प्रॉब्लम जो उसको फील होती है वो N2O3 में। आपको हमने जो ट्रिक दिया उससे अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें NN बॉन्ड होगा या नहीं होगा ये पहचानना हो तो 2/3 डेट इज 0.67, तो डेफिनेटली वो 0.5 से ग्रेटर है तो NN बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड पहले क्रिएट करना है और तीन ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन एक को, एक लोन पेयर से इसका ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कराना और इसका ऐसा रहेगा। कुछ बच्चे गलती से इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देते हैं जो कि अनस्टेबल है, इस टाइप से अगर आप बना दिए तो ध्यान देंगे N2O3 का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। बाकी के स्ट्रक्चर में NN बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे वो आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मेरे ट्रिक से। तो अगर ये मेरा जो ट्रिक्स या ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस प्रयास को या मेरे इस ट्रिक्स को अदर बच्चों तक भी पहुंचाइए और उनको भी बताइए कि वास्तव में केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मज़े से अगर पढ़ा जाए तो बहुत मज़े आएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप 16 ग्रुप और 17 ग्रुप के बारे में बात करूंगा कि उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, रिड्यूसिंग करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, इस टाइप के बहुत सारे ट्रेंड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे आप करेंगे सिंपल मेरे ट्रिक से। हेलो माय फ्रेंड्स, कसा काय, आई होप आपने मेरे जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वाले ट्रिक्स मैंने अपलोड किए थे उसको देख लिया होगा। आज मैं आपको उस ट्रिक
पे बेस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन 2023 में 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, इस तरह से मैच द कॉलम था N2O4, NO2, N2O5, N2O, और ये किसमें NO N डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, NON बॉन्ड है, NN बॉन्ड है, या फिर N डबल बॉन्ड N है, या N ट्रिपल बॉन्ड N है। तो आप देख सकते हो उस ट्रिक से बहुत इजी हो जाएगा, ये N2O4। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो निकालूँ तो इस केस में नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 2/4, डैट इज 0.5, और 0.5 इज ग्रेटर इक्वल दैन 0.5, डैट्स वाई इसमें NN बॉन्ड होगा। सो ए का ऑप्शन रहेगा आपका 3, यहाँ पे 3 में। नाउ नेक्स्ट NO2, तो इसमें हम अगर बात करें तो NN बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर सकते, दो नाइट्रोजन नहीं है, तो N डबल बॉन्ड O होगा, तो B का हो जाएगा 1। नाउ N2O5, इसमें अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2/5, डैट इज 0.4, विच इज लेस देन 0.5, तो इसमें NN बॉन्ड नहीं होगा, तो कौन सा बॉन्ड होगा, NON बॉन्ड, तो इसलिए C का हो जाएगा आपका 2। एंड N2O में डेफिनेटली आइदर NN बॉन्ड होगा या N ट्रिपल बॉन्ड N होंगे, सो D का आंसर हो जाएगा आपका 4। तो आप देख सकते हो उस ट्रिक से कैसे इजीली हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो पूछा गया था ऑक्साइड से, दैट वाज इन 2022-28 जिनको शिफ्ट 2 में, कि इन सब में किस में NN बॉन्ड है। तो अगेन देख सकते हो कि देखो एक चीज़ और फील करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन पूछा फिर ये, बस क्वेश्चन को चेंज किया है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते, कंसेप्ट आर लिमिटेड, इसलिए कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, इसलिए मैं बोलता हूँ माला कंसेप्ट पाइजे। तो अगर N2O की बात करें तो डेफिनेटली इसमें जो नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन रेशियो है वो आपका 2 आ जाएगा, तो इसमें NN बॉन्ड होगा। N2O3 में 0.6, डैट इज ग्रेटर देन 0.5, तो इसमें भी होगा। N2O4 में 0.5 हो गया, विच इज़ ग्रेटर इक्वल, तो इसमें भी होगा। और N2O5 जिसमें नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन रेशियो 0.4 हो गया, तो इसमें नहीं होगा, तो इंटीजर टाइप में था, सो आंसर विल बी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्साइड विदाउट NN बॉन्ड। देखो ये तीनों क्वेश्चन का सेम ही है लॉजिक, किसी में NN बॉन्ड किस में है, किस में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देख सकते हो इसमें होगा, अभी मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया, 0.5 आ जाएगा इस वजह से, इसमें भी होंगे, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें 0.4 आएंगे, तो विदाउट NN बॉन्ड वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी होंगे 0.67 आ रहा है। तो यू कैन सी कि N बाय O रेशियो ये तो कोई भी निकाल सकता, और इससे ये तीन क्वेश्चन एक 2023 में आया हुआ था, एक 22 में, एक 21 में, 1 सितंबर को शिफ्ट 2 में। तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकता हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द सेट डैट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इसका मैंने आपको ट्रिक दिया था CNNO, C के साथ O लगाओगे तो CO, N के साथ O लगाओगे तो NO, और फिर ये दो बार N है तो उसके साथ लगाओगे तो N2O। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो आप देख सकते हो इस केस में ऑप्शन ए हो जाएगा, और इजीली वो ट्रिक्स हो जाएंगे। ये 21 में 17 मार्च को शिफ्ट 2 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ NO विथ N2O4 एट 250 केल्विन। तो ये ज्ञान की बात में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2-4 के बीच में आता है 3, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ब्लू कलर वाला आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे। ये 2020 में 6 सितंबर को शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो उस ट्रिक से कैसे इजली हो रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +1 होंगे, यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे +3 होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 का, फिर N2O3 का, फिर NO का, और लास्ट में N2O का, ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये 2019 में 19 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि N2O3, N2O4 और N2O5 में किसमें NN बॉन्ड है। तो अगेन आप देख सकते हो इसमें रेशियो जब निकालोगे नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का तो 0.67 तो इसमें हो जाएगा, इसमें 0.5 तो इसमें भी हो जाएंगे, बट इसमें 0.4 विच इज़ लेस देन 0.5 तो इसमें नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे N2O3 एंड N2O4। तो देखो ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, आपको मैं ये गारंटी देना चाह रहा हूँ, ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि सच में उस ट्रिक से इजीली प्रॉब्लम हो रहे हैं और उस ट्रिक पे बेस क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो सबका कंसेप्ट एक ही है लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। आप देख सकते हो सब में वही चीज़ घुमा फिरा के बातें आएंगी बट कंसेप्ट इज़ सिमिलर और क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका होगा वो अलग होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो हाइड्राइड हैं 15, 16, 17 ग्रुप के उसके ट्रेंड्स को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करूँगा, फिर उस पर बेस जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका रफ़ी सर एंड आई होप आप मेरे सारे ट्रिक्स के जो वीडियो लेक्चर हैं उसको सही से फॉलो कर रहे होंगे, उसको सही से समझ रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक और नया ट्रिक देने जा रहा हूं और डैट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्राइड ऑफ 15, 16 एंड 17 ग्रुप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का या फिर CET का एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है और ये बेसिकली ट्रेंड्स पे बेस्ड है, लाइक थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा या फिर बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग नेचर का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा और इसके नेचर डैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा और बेसिक कैरेक्टर का। इस पे बेस्ड ये टोटल 8 ट्रेंड्स हैं, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही जिसको मैं बहुत ही अपने सिंपल ट्रिक से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो उससे पहले चूँकि मैं 15, 16, 17 ग्रुप के हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ तो यू नो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है जिसको इजीली हम नाना, पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बीमार से याद रख सकते हैं। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम है जिसको हम इजीली ओल्ड स्टाइल से टेलीफोन वर्ड से याद रख सकते हैं और 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है जिसको हम इजीली हम फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर वर्ड से याद रख सकते हैं। और इन सब के हाइड्राइड को हमने लिख दिया है और नंबरिंग भी कर दिए, जो NH3 उसको 1 दिया है एंड सो ऑन, PH3 को 2, SAS H3 को 3, SB H3 को 4 एंड BI H3 को 5। इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दिए ताकि मुझे ट्रेंड लिखने में इजी रहे। नाउ अगर थर्मल स्टेबिलिटी का आपको ट्रेंड लिखना है तो डैट्स वेरी सिंपल, 1 सबसे ग्रेटर होगा 2, 3, 4 एंड 5, डैट मीन्स डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। सेम ट्रेंड इसमें भी फॉलो करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो देख सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड बनके तैयार हो गया और ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। वैसे ही बॉन्ड एनर्जी का भी सेम ट्रेंड रहेगा और ये भी डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होगा। सो दोनों का ट्रेंड सेम रहने वाला है। सिमिलरली बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे तो इसका भी ट्रेंड सेम ही रहने वाला है। इसलिए मैंने ये फर्स्ट 3 को ऐसे ही ऑर्डर में सीरियल नंबर से लिखा है ताकि आपको इजी रहे इसके ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन करने में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग नेचर। अब हम रिड्यूसिंग नेचर को कैसे करेंगे तो डैट्स वेरी सिंपल, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा इसलिए आप अब आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब साइन को रिवर्स कर देना है, इसमें भी 1, 2,
थ्री एंड फोर, इसमें भी वन टू थ्री एंड फोर। जो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर होगा, ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, हेयर ऑल्सो वन टू थ्री एंड फोर, हेयर ऑल्सो वन टू थ्री एंड फोर। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कैसे याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को याद रखने के लिए मैं इसको रेड कलर से लिखा हूँ क्योंकि यहीं पे एक्सेप्शन है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। चाहे बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर पूछे या मेल्टिंग पॉइंट का, आपको मान के चलना है कि हर ग्रुप में जो फर्स्ट वाला है डैट इज NH3, फर्स्ट वाला आपको मान के चलना कि अभी हम कंसीडर इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये ऑर्डर में आगे पीछे होंगे। तब मैं हर ग्रुप में मान रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर वाला नहीं है, और अगर वो नहीं है तो कैसे लिखते, तो डैट्स वेरी इजी। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फिर आपको लिखना पड़ता सबसे ज़्यादा फाइव का, फिर फोर का, फिर थ्री का, फिर टू का, ये आपको एज यूजल ऑर्डर लिखना पड़ता। फाइव फोर थ्री टू, वन नहीं है तो फाइव सबसे ज़्यादा, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, डैट्स वेरी इजी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर वन नहीं होता तो सबसे ज़्यादा फोर, फिर थ्री, फिर टू। अगर सपोज करो यहाँ पे वन नहीं होता तो सबसे ज़्यादा फोर, फिर थ्री, फिर टू। डैट मीन्स अगर वन नहीं है तो वी कैन से कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट में भी आप ऐसे ही लिख लें, सेम फाइव फोर थ्री टू, अगर वन नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे, ऐसा मान के आप चल सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी आप लिख सकते हैं फोर थ्री टू, सिमिलरली हेयर ऑल्सो फोर थ्री टू। तो आप ध्यान से देखो कि हमने माना मैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में कि वन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वन अगर आ गया तो कहाँ पे रखेंगे। वन अगर आ जाता है तो उसको आप कहाँ पे रखना है, तो डैट्स वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आपको 15 ग्रुप वाले में ध्यान से रखना है, और मेल्टिंग पॉइंट में 17 वाले में ध्यान देना है। इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है, 15 ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट में और 17 ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट में। उसको छोड़ करके वन, यू नो वन नंबर वन होता है वो सबसे आगे आएगा, तो इसलिए सब में आप क्या कर देंगे, वन को आगे कर देंगे। जिसको मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया उसको छोड़ करके बाकी में नंबर वन वन आगे हो जाएगा। नाउ इन दोनों में वन कहाँ पे होगा, तो डैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे टोटल फाइव नंबर है तो इसके बीच में इंसर्ट करना है, तो फाइव फोर दो नंबर इधर हो गए, थ्री टू दो नंबर इधर हो गए, तो बीच में आपको इंसर्ट करना है वन को। यहाँ पे पांच नंबर के बीच में, डैट मीन्स फाइव फोर, उसके बाद वन आ जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट में अगर बात करें तो यू नो टू से पहले वन आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है टू से पहले वन। तो अगेन आई एम टेलिंग कि डैट्स वेरी सिंपल, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में ही एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन को कैसे याद रखेंगे कि आप मान के चलेंगे वन आपके पास नहीं है, और अगर मेरे पास वन नहीं है तो यूजुअल ऑर्डर होगा फाइव फोर थ्री टू, और अगर फोर होंगे तो फोर थ्री टू। नाउ वन रखेंगे कहाँ, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट 15 ग्रुप में वो मिडल में आएगा, और मेल्टिंग पॉइंट 17 ग्रुप में वो टू से पहले आएगा, बाकी सब में वन सबसे आगे आ जाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैट इज नेचर के बारे में, डैट मीन्स ये बेसिक होंगे या एसिडिक। तो 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो लोन पेयर होने की वजह से बेसिक होती हैं, और बेसिक करेक्टर का ऑर्डर एज यूजुअल वन सबसे ज़्यादा होता है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। डैट मीन्स डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, ध्यान रहे ये मैंने बेसिक करेक्टर का लिखा है, डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। और 16 और 17 ग्रुप में आपको एसिडिक करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, और वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डैट मीन्स वन से ज़्यादा टू, टू से ज़्यादा थ्री एंड थ्री से ज़्यादा फोर, ये आपको एसिडिक का ऑर्डर है। और सेम ऑर्डर 17 ग्रुप में भी है, वन से ज़्यादा टू, टू से ज़्यादा थ्री और थ्री से ज़्यादा फोर। तो
तो ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर दिया है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए डैट्स वेरी सिंपल और इजीली आप कर पाओगे। इसलिए मैंने इसको एक ऑर्डर्ड वे में सजाया है। पहले तीन में वन ग्रेटर होंगे डैट मीन्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, फिर दो में, उसके बाद के दो में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे याद रखेंगे वो सिंपल वे में आपको समझाया कि सिर्फ फर्स्ट वाले में और इधर लास्ट वाले में मेल्टिंग पॉइंट में वन को एडजस्ट करना है, बाकी सब में वन आगे आ जाएंगे। और नेचर में एज यूजुअल ऑर्डर है, बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये ऑर्डर हो जाएंगे। डैट मीन्स एक्सेप्शन सिर्फ आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में, और उसको कैसे याद रखेंगे हमने बता दिया है। तो आई होप इससे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे और आपका करेक्ट भी होगा। नाउ जाते जाते अगेन मैं दो ज्ञान की बातें आपको बताना चाहूँगा और डैट इज़ वेरी सिंपल, जो प्रैक्टिकल फीलिंग भी आपको आएगी कि देखो अगर मैं बात करूँ जितने भी हाइड्राइड हैं उसमें सब में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो उसका साइज़ क्या हो गया फिक्स, सब सेम साइज़ के होंगे। और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी, उससे बड़ा बिस्मथ। तो ये मैंने उसी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीलिंग दिलाने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ किया है। और यू नो इट्स ए प्रैक्टिकल थिंग कि जो सिमिलर साइज वाले होंगे उसका पैकिंग अच्छा होगा, और अगर सिमिलर साइज वाले का पैकिंग अच्छा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ये सब क्या होंगे जनरली हाई होंगे। तो उसी कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी पैकिंग अच्छी होगी, इसलिए इनका थर्मल स्टेबिलिटी या फिर बॉन्ड एनर्जी ये सब ज़्यादा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर फील करना हो तो यू नो कि ये बॉन्ड लेंथ क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा हो गया तो उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। और ज्ञान की बात नंबर टू जो है डैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आता है, और जनरली बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी कहाँ, उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड याद रखना आपको, फ़ोन। फ़ोन का मतलब है कि अगर आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली, ध्यान रहे, हाइड्रोजन डायरेक्टली आइदर फ्लोरीन से अटैच हो या फिर डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच हो आपका हाइड्रोजन, या फिर डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आ जाता है। इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन थे, जिसको कैसे याद रखना है हमने बात कर लिया। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट के बारे में आइडिया दूंगा और उससे रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, कसकाय, आई होप आप मेरे सारे ट्रिक्स के वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो कर रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो आज के जो ट्रिक्स हैं उससे मैं आग लगा दूंगा आग, डैट मीन्स कि आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर अमोनियम के सॉल्ट को हीट करेंगे तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ट्रिक के साथ। तो देखिए अगर अमोनियम की मैं बात करूँ तो अमोनियम इज NH4+, इस पे एक प्लस वन चार्ज होगा, डैट मीन्स कैटायन आपका क्या हो चुका है फिक्स, और एनायन जो है वो 99% आपको इन्हीं में से कोई मिलेंगे, आइदर इट विल बी नाइट्राइट और नाइट्रेट और डाइक्रोमेट और कार्बोनेट और हैलाइड, मेनली ये पांच एनायन आपको इस कैटायन के साथ मिलेंगे। तो इस कैटायन और एनायन से बनने वाले सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको मैंने सिंपल ट्रिक्स आपको समझाया है। और ट्रिक्स का पॉइंट ये है कि अगर आपके सॉल्ट के फॉर्मूले में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हैलोजन हो,
तो अगर सिर्फ यही प्रेजेंट होंगे तो आपको रिमूव करना है पॉसिबल वाटर, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा तो, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन हैलोजन होगा तो पॉसिबल HX आपको निकाल देना है, और उसके बाद जो बचेगा वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। बट इन केस अगर आपके सॉल्ट के फॉर्मूले में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है प्लस अदर एलिमेंट भी है, तो सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का ऑक्साइड बाहर करना है, फिर उसके बाद जितना पॉसिबल वाटर हो सकता है वो बाहर करना है, फिर उसके बाद जो बचेगा वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जब वाटर आप निकालेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वाटर को रिमूव करना है कि फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हैं। तो चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 7 एग्जाम्पल लिया है और उसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसी ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट की हीटिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमने आपको ट्रिक्स में बताया कि अगर यही तीन एलिमेंट हैं तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वाटर निकालना है। तो यहाँ पे हम दो वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब रेस्ट मेरे पास सिर्फ दो नाइट्रोजन बच रहा है, तो यहाँ पे मुझे N2 गैस मिल जाएगी। सिमिलरली उसी ट्रिक से अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर अगेन मैं दो ही निकाल सकता हूँ क्योंकि चार हाइड्रोजन निकल गए, एक वाटर मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अटैच होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी आपके पास दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट, और ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये एक और क्वेश्चन इसे बन सकता है कि राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O गैस, तो ये रिएक्शन आपके लिए ईजी हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, विच वन विल गिव यू N2 गैस या N2O, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट है, तो उसके लिए हमने ट्रिक दिया था कि पहले उस एलिमेंट के ऑक्साइड को बाहर करो, तो Cr2O3 मैंने बाहर कर दिया, जिससे दोनों क्रोमियम और तीन ऑक्सीजन निकल गए। अभी चार ऑक्सीजन और आठ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो फोर वाटर मॉलिक्यूल मैं निकाल सकता हूँ, जिससे एट हाइड्रोजन और चार ऑक्सीजन भी निकल गए। अब बचा हमारे पास सिर्फ दो नाइट्रोजन, तो यहाँ से भी आपको N2 गैस मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट है, डेट इज कार्बन, तो यहाँ पे आपको फिर से उसके ऑक्साइड CO2 को बाहर करना पड़ेगा। तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन बाहर हो गए, अब एक ही ऑक्सीजन बचा, तो हम एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। नाउ आपके पास दो नाइट्रोजन और छः हाइड्रोजन बचा, तो जिसको आप लिखने को तो ऐसे लिख सकते हो, बट कि यहाँ से मैं दो कॉमन निकाल सकता हूँ, तो एक्चुअली यू विल गेट 2 times ऑफ अमोनिया गैस, तो यहाँ से भी आपको अमोनिया मिलने वाला है। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो पहले आपको HX बार करना है, तो HCl, और एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ से अमोनिया गैस आपको मिल जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम आएंगे, डैट्स वेरी सिंपल, कि आपको चार ऑप्शन दे देगा और किससे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो वो आप रटने से बच गए हो। नाउ NH4OH में अगेन देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो पॉसिबल वाटर H2O मैं रिमूव कर सकता हूँ, और मेरे पास एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन बच जाएगा, तो यहाँ से भी आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाता है और बच्चे उसके बाद रोने लगते हैं कि सर ने ये तो बताया नहीं। भाई रुको, थोड़ा सबर करो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैटायन और एनायन के एक्सचेंज वाली रिएक्शन हो जाएगी पहले, तो आप पहले वो करा दो, तो यू विल गेट NaCl प्लस NH4NO2। कभी भी इस टाइप से रिएक्शन दे दे तो पहले कैटायन एनायन के एक्सचेंज रिएक्शन करा लें। ये मिल गया, और क्या मैंने इसका हीटिंग नहीं बताया, पहला ही प्रॉब्लम है ये, आप देख सकते हो। तो इसकी हीटिंग से फिर से आपको क्या मिलने वाला है, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और N2 गैस मिल जाएगी। तो इसका भी आंसर जो है, इस प्रॉब्लम का आंसर N2 गैस ही होगा। तो कभी इस स्टेप में भी दे दे तो आप इजीली कर सकते हो।
तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छे समझ में आएगा, और 99% चांस है कि इन्हीं 7 रिएक्शन में से कोई ना कोई रिएक्शन होंगी। नाउ जाते जाते अगेन मैं एक ज्ञान की बात आपको देने जा रहा हूँ, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेटल के अजाइड को हीट करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अजाइड हियर? तो 3 नाइट्रोजन पे अगर एक माइनस चार्ज होता है तो उसको अजाइड बोलेंगे, और मेटल के अजाइड लाइक सोडियम अजाइड, बैरियम अजाइड, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अगर इस मेटल के अजाइड को हीट करोगे लाइक सोडियम अजाइड को, तो सोडियम बुरा मान कर करके नीचे बैठ जाएगा और आपको N2 गैस मिल जाएगी। सिमिलरली बैरियम के अजाइड को अगर हीट करोगे तो बैरियम बुरा मान करके नीचे बैठ जाएगा और आपको N2 गैस मिल जाएगी। ध्यान रहे मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, डैट्स वेरी इजी, वो हम इजीली कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसको हीट करता तो क्या होता। तो ये तो वही है, अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो पॉसिबल वाटर मैंने रिमूव कर दिया और यू विल गेट N2 गैस। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं कि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन विल गिव प्योर नाइट्रोजन, तो आपका आंसर मेटल अजाइड होगा। फिर क्यों क्यों प्योर हुआ ये? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस मिली वो आपका गैस बनकर के ऊपर चला गया और जो मेटल है वो नीचे बैठ गया, तो यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, प्योर आपको नाइट्रोजन मिलेगा। इससे भी नाइट्रोजन मिल रहा है सर, तो इससे क्यों नहीं प्योर? क्योंकि यहाँ पे जब आपने हीट किया तो वाटर के वेपर भी होंगे नाइट्रोजन के गैस में, तो इसलिए वो आपका प्योर नहीं हुआ, तो उसको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन विल गिव प्योर नाइट्रोजन, तो मेटल के अजाइड को आपको टिक करना है, और विच वन विल गिव नाइट्रोजन ओनली, अगर ऐसा है तो दोनों हो सकते हैं। तो आई होप आज का मेरा ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल नाइट्रेट। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे इसी तरह वीडियो लेक्चर को सही से देखते रहिए। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, कसक काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज रफ़ी सर को आ गया गुस्सा, इसलिए आज मुझे जो भी कंपाउंड आप दोगे मैं उसको आग लगा दूंगा। आग डैट मीन्स आज मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट और मेटल कार्बोनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ये, आप इसको समझेंगे। अगर मैं मेटल नाइट्रेट को हीट करूँगा तो उसके लिए क्या सिंपल ट्रिक्स है, और अगर मेटल कार्बोनेट को हीट करूँगा तो उसके लिए क्या सिंपल ट्रिक्स है। तो देखो अगर मेटल नाइट्रेट को हीट किए तो आपको मेटल के ऑक्साइड मिल जाएंगे, प्लस ब्राउन कलर की गैस, रेडिश ब्राउन कलर की आपको गैस मिल जाएंगी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिल जाएगी, प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर मेटल नाइट्रेट को हीट किया जाए तो क्या मिलेगा। तो पहली चीज़ कि इस स्कीम मैंने फिक्स कर दिया है, मेटल के ऑक्साइड बनाना है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस डेट मीन्स NO2 गैस बनाना है, और ऑक्सीजन बनाना है। बाय द वे इन दोनों के बारे में आपको ट्रिक में बता रखा हूँ कि ये दोनों पैरा मैग्नेटिक गैसेज हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि किसके नाइट्रेट को हीट करने से दो पैरामैग्नेटिक गैस मिलेगी, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, या रेडिश ब्राउन कलर की गैस आएंगी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सिंपल इस स्कीम से करना है। ध्यान रहे कि कौन कौन सी नाइट्रेट आपको ये रिएक्शन नहीं देगा, तो सोडियम की नाइट्रेट, पोटेशियम, रूबीडियम एंड सीजियम, डैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के या अल्कली मेटल वाले, लिथियम को छोड़ करके बाकी सब, ये नाइट्रेट की हीटिंग होने पर आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस नहीं देंगी। नाउ इसको याद कैसे रखेंगे, तो वो भी सिंपल ट्रिक से। देखो यहाँ पे हो गया ये सोडियम, सोडियम हो गया ये, पोटेशियम से बना लेंगे, के से की, सोडियम की, RB से मतलब रब, CS मतलब से, और FR मतलब फ्रेंडशिप। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सोडियम की रब से फ्रेंडशिप। अब आप ही सोचो अगर किसी आदमी की दोस्ती गॉड से हो जाता है, रब से हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है कि इसके नाइट्रेट को अगर आपने हीट किया तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस नहीं मिलेगी। तो मिलेगा क्या सर, उसको मैं एप्लीकेशन में बात करूँगा। सिमिलरली मेटल के कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो मेटल के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिल जाएगी।
अगेन नाटक कौन करेगा, तो नाटक यही करेंगे सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप वाले। अगर इनके कार्बोनेट को हीट करोगे तो यू विल नॉट गेट CO2। याद कैसे रखेंगे, सेम लॉजिक, सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप। कनेक्शन क्या है कि जिसकी दोस्ती गॉड से हो गई उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अप्लीकेशन की। तो चलिए मैंने कुछ प्रॉब्लम लिए हैं और उसको कैसे हमारे ट्रिक से सॉल्व करेंगे उसके अप्लीकेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो पहले मेटल नाइट्रेट में आप देख सकते हो मैंने मेटल के नाइट्रेट लिए हैं। तो हमने क्या स्कीम दिया था कि मेटल के ऑक्साइड बनाना है, तो PbO बन जाएगा, प्लस ब्राउन कलर की गैस डेट इज NO2 बनाना है, प्लस O2। ध्यान दें रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो हम कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। मैन थिंग इज कि प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे। सिमिलरली जिंक के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर की गैस NO2 एंड O2 मिलेगा आपको। और बोथ आर पैरामैग्नेटिक गैस, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिल्वर के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना सिल्वर के ऑक्साइड बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि यू नो सिल्वर जो होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए उसके जेवर भी बनते हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको उसके ऑक्साइड ना मिल करके सिल्वर ही मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मरकरी होता तो HG भी आपको डायरेक्ट मिल जाता, उसका ऑक्साइड नहीं मिलता। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस और O2 मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि लिथियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम के ऑक्साइड प्लस रेडिश ब्राउन कलर की गैस प्लस O2 मिल जाएंगे आपको। नाउ द क्वेश्चन इज कि सोडियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो हमने बताया कि ये इसके नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर गैस नहीं मिलेगी, सोडियम नाइट्राइट मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। आप इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलेगी, तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, चार ऑप्शन दे करके, विच कैन गिव रेडिश ब्राउन कलर गैस, विच कैन गिव बोथ गैसेज आर पैरामैग्नेटिक, इस टाइप के कौन देंगे हीटिंग करने पे, या विच कांट गिव रेडिश ब्राउन कलर गैस। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और वेरी सिंपल, सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप वाले आपको NO2 गैस नहीं देंगे। सेम चीज़ें अगर मेटल कार्बोनेट में हम बात करें तो अगर हमने लेड के कार्बोनेट को हीट किया तो उसके ऑक्साइड बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी, जो कि एक कलरलेस गैस है। ध्यान दें कि यहाँ पे हमने उसके कार्बोनेट को हीट किया है। सिमिलरली जिंक के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका चला जाएगा। कैल्शियम के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ध्यान दें कि कैल्शियम के कार्बोनेट को जो हीट कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि यह 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ऑलमोस्ट 2000 केल्विन के आसपास लगता है, बट स्टिल ये आपको ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। लिथियम के कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो लिथियम के ऑक्साइड मिल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, बट अगर आपने सोडियम के कार्बोनेट को हीट कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। बुरा मानने का क्या मतलब है कि ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी हीट कर लो। ज़्यादा हीट कर दिए तो क्या होगा सर, ये मेल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसने कसम खा लिया है कि आप इसको कितना भी हीट कर लो आपको ये CO2 नहीं देने वाला है, तो ये विल नॉट गेट CO2। एक्चुअली ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, बट CO2 आपको नहीं देगा। तो सिर्फ क्या सिर्फ सोडियम नहीं, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, इन सब के कार्बोनेट को हीट करोगे तो यू विल नॉट गेट CO2। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको चार ऑप्शन दे करके, विच कैन गिव CO2, विच कैन गिव NO2 और विच कांट। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर लेंगे। दोनों का सिंपल सा एक्सेप्शन है कि सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप। कनेक्शन मैंने कैसे किया है कि जिसकी दोस्ती रफ से हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। नाउ अब जाते जाते एक बहुत ही छोटा सा ज्ञान देने जा रहा हूँ कि अगर सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट या कार्बोनेट होंगे उसको हीट करोगे तो चूंकि उसके ऑक्साइड तो बनते हैं लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्ट मेटल ही मिल जाएगा, सिल्वर या मरकर ही आपको लिख देना है, उसके ऑक्साइड नहीं लिखना है, लाइक Ag2O वो लिखना सही नहीं रहेगा। और सेकेंड थिंग कि हमने इस टाइप से लिखा था MX और NO3 होल वाई, तो कहने का यह मतलब है कि वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए जो नंबर आएंगे, जैसे जिंक नाइट्रेट लिखोगे तो यहाँ पे जिंक एक रहेगा और नाइट्रेट दो रहेंगे, तो ये XY उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसी तरह हमारे ट्रिक्स को
सही से समझते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और हमसे जुड़े भी रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको आगे बच्चों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने मुझे जो भी कंपाउंड दिया था उसमें मैंने आग लगा दी। डैट मीन्स मैंने हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, मेटल नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट के बारे में बात किया था। एंड आज आप मुझे जो भी कंपाउंड दोगे उस पर मैं आग बुझा दी आग। डैट मीन्स मैं उस पर पानी डाल दूंगा। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिसिस। तो देखो, हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे खुद आपका जो वाटर है वो एक रिएक्टेंट का काम करेगा। यहाँ पे खुद वाटर रिएक्टेंट का काम करेगा, नॉट सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो उसमें सिंपल सा जो मैंने ट्रिक्स दिया है वो ये है कि आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। डैट मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे फास्फोरस और हैलोजन बॉन्डेड है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है, तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है एंड गिव H2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। वाटर का H आपको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ रखना है एंड OH जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ रखना है और ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। डैट मीन्स P को OH मिल जाएगा और Cl को H मिल जाएंगे। पहले पॉइंट का ये मतलब है कि यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड गिव H2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड OH2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। डैट मीन्स पार्सलिटी नहीं करना है, बराबरी को मेंटेन करना है, लेस को मोर देना है, मोर को लेस देना है। दूसरा जो पॉइंट है डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनरली हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहता है। बट कहीं कहीं पे हो सकता है, जैसे कि जेनॉन की फ्लोराइड लाइक Xe F2, जेनॉन की फ्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। एंड सम नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक N2O4, तो यहाँ पे भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। तो कुछ जगह को छोड़ करके बाकी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। एंड तीसरा जो पॉइंट है डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर एलिमेंट की अपनी एक कैपेसिटी है OH रखने की। तो अगर कहीं पे कार्बन या हैलोजन आपको दिखे तो वो मैक्सिमम एक OH रख सकता है एट ए टाइम अपने ऊपर। सिमिलरली सल्फर होगा तो वो दो OH रख सकता है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखते भी हैं सल्फर मैक्सिमम दो OH रख सकता है। फॉस्फोरस मैक्सिमम तीन OH रख सकता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड में। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जैसे कार्बन मैक्सिमम आप देख सकते हो एक OH रख सकता है, अगर किसी कंडीशन में कार्बन पे दो OH आ जाते हैं, ध्यान दे एक ही कार्बन पे अगर दो OH आ जाता है तो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देना है, बाहर कर देना है। एक वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या कर देना है, बाहर कर देना है। डैट मीन्स एक OH और एक H बाहर कर देना है। तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो इस कंडीशन में ये C OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH हो तो आपको वाटर बाहर कर देना है। वैसे ही कहीं पे अगर सल्फर पे दो से ज़्यादा होंगे तो वाटर आपको बाहर करना पड़ेगा, वैसे ही फास्फोरस में अगर तीन से ज़्यादा होंगे तो वाटर आपको बाहर करना पड़ेगा। नाउ हाइड्रोलिसिस हमें करना किस किस का है उसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको, कि हाइड्रोलिसिस हमें हैलाइड का करना है। फॉर एग्जांपल PCl3 XeF4, मतलब हैलोजन इसमें होगा। मेन पॉइंट इज कि इसमें हैलोजन होंगे तो आप कैसे करेंगे। हमें ऑक्साइड का करना है, नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक N2O5 Cl2O5 N2O3 एटसेट्रा, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। नाइट्राइड मतलब एक नाइट्रोजन पे -3 लाइक AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, Li3N, लिथियम नाइट्राइड।
तो इन सब का हाइड्रोलिसिस करेंगे, डैट मीन्स इसकी रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या होगा। सिमिलरली कार्बाइड लाइक CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, Mg2C3 एटसेट्रा, Al4C3, तो ये मेटल की कार्बाइड हो गए, ये मेटल के नाइट्राइड हो गए, इनका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मैं इसी सीरियल ऑर्डर में एक एक करके डिटेल डिस्कशन सबका करता हूँ कि आपको कैसे इसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को याद रखना है। नाउ अब मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा वो वाले एग्जांपल लेता हूँ, और एक वो वाला जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होंगे। तो कैसे आप मेरे सिंपल ट्रिक से करेंगे ऐसे रिएक्शन को, तो आप ध्यान से देखें। PCl5 की रिएक्शन में H2O से करा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, PCl5 का आप एक रफ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो। ये मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था, ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव, यू नो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो आपको क्या करना है, वाटर का H इधर रखना है और OH इधर रखना है, वैसे ही वाटर का H इधर एंड OH इधर, वैसे ही वाटर का H इधर एंड OH इधर, वैसे ही वाटर का H इधर एंड OH इधर, वाटर का H इधर एंड OH इधर। और आपको क्या करना है, ये सारे बॉन्ड को आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो आप ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या हो गया है, फास्फोरस पे 5 OH आ चुके हैं, उसको मैं पहले ड्रॉ कर दे रहा हूँ आराम से। अब मैंने एक ट्रिक दिया था पॉइंट नंबर 3 में कि फास्फोरस के पास मैक्सिमम 3 OH संभालने की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक OH और एक यहाँ से H वाटर के फॉर्म में बाहर कर देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो क्या बन गया, पी डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड पूरा निकल चुका है और ये H निकला, तो ये पी डबल बॉन्ड O बन जाएगा और 3 OH इसके पास रहेंगे। तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड बनकर के तैयार हो गया है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 5 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 5 है। तो जो मैंने कहा था कि जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो चुका है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, कि अगर इसका मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे ट्रिक से इजली हो जाएगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल तो आपने यूज किया, लेकिन उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, फिर से आपको मिल गया है। तो एक्चुअली में इसका कितना वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ, 4। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपको ऐसे दे दे कि PCl5 की रिएक्शन हम सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करा रहे हैं, तो पहले केस में आपका दोनों एक्सियल वाला Cl बाहर हो जाएगा और दोनों पे OH आएंगे, जिससे वाटर बाहर करेंगे तो आपको पहले मिलेगा POCl3, डैट मीन्स इस टाइप का पहले आपको मिल जाएगा, दोनों Cl की जगह OH आ गया और फिर वाटर बाहर कर दिए, और फिर इसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप दोगे तो यू विल गेट H3PO4। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, PCl3+H2O। तो यू नो अगेन PCl3 का आप स्ट्रक्चर बना लो, PCl3 एक लोन पेयर इसके पास होगा और फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको H एंड इसको OH देना, इसको H एंड इसको OH, इसको H एंड इसको OH, और ये बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना। तो आपको कैसा दिखेगा, पहले POH OH OH, पहले आराम से यहाँ तक। आपको ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस में मैंने ट्रिक दिया था कि कभी भी फास्फोरस के ऑक्जो एसिड में वो 5 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए ये पहले खुद को रीअरेंज कर लेंगे, और रीअरेंज करने के बाद ये क्या बना देंगे आपका, इस टाइप से H3PO3 वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, एक तरह से टाउटोमेरिज्म कर लेंगे ये, यू कैन से। तो ये आपका फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो H3PO3 हो गया, डैट इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड।
अगेन आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो आपको प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्जो एसिड बनाना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुए, तो आप देख सकते हो तीन वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया, ये रिअरेंज हुआ। ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि फास्फोरस के केस में हमने आपको बताया कि वो तीन OH आराम से सह सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई वाटर बाहर नहीं किया, रिअरेंज कराया। नाउ एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, CLF3 प्लस वाटर। तो यू नो CLF3 में इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो आप फ्लोरीन अटैच कर दें और ये क्लोरीन के पास दो लोन पेयर होंगे। नाउ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर H रखना आपको, इधर OH, इधर H रखना है, इधर OH, इधर H रखना और इधर OH, और ये बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि Cl पे आपके पास तीन OH आ जाएगा। नाउ ट्रिक में मैंने बताया था कि क्लोरीन मैक्सिमम एक OH ही रख सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें एक OH और एक H को बाहर करना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट Cl डबल बॉन्ड ओ एंड OH, दैट इज HClO2, जो कि फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन प्लस थ्री में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लोरस एसिड। यहाँ पे भी क्लोरीन प्लस थ्री में था, आप देख सकते हो, और यहाँ भी ये प्लस थ्री में, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कितने वाटर मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली में तो मैंने तीन वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तीन वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, लेकिन उसमें से एक वाटर आपको मिल गया है, तो आपको कितना रिक्वायर्ड होगा, दो ही वाटर मॉलिक्यूल। और बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, तो सबसे क्या मिल जाएंगे, HF, और कितने मिलेंगे, तीन है, तो तीन HF आपको मिल जाएगा। तो अगर बैलेंस रिएक्शन भी लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हो कि ClF3 प्लस 2H2O, 2H2O क्यों, क्योंकि एक वाटर आपको मिल चुका है, विल गिव यू HClO2 प्लस 3HF। आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन बैलेंस होंगी, क्लोरीन यहाँ पे एक है, एक क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन तीन है, तीन फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन चार है, 1 और 3, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ दो ऑक्सीजन, तो अपने आप रिएक्शन भी बैलेंस आ जाएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, सब मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपको समझा दिया है। आई होप अगर आप इस पर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे रिएक्शन को रटने से आप बच जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उस केस में क्या करेंगे। ये वो केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेंज होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको सही से समझेंगे भी। नाउ द क्वेश्चन इज कि जेनॉन के मैंने तीन फ्लोराइड लिखे हैं, एक XeF2, एक XeF4 और एक XeF6, यही तीन फ्लोराइड इसकी एग्जिस्ट होती हैं, और इस पे मैंने क्या किया है, वाटर से रिएक्शन करने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे मेरे जो ट्रिक है उस पे मैंने सिंपल सा एक कनेक्शन लिया है कि XeF2 को मैं फूफा मान रहा हूँ। फूफा जो है वो एक्चुअली जो फादर होते हैं उसकी सिस्टर के हस्बैंड को बोलते हैं, लाइक मौसा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो है, और ये XeF4 जो है वो फादर की सिस्टर हो गई, फूफी बोलते हैं, और XeF6 तुम हो गए। ये एक कनेक्शन बनाया है और कोई यूज नहीं इसका, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ये हो गए फादर के सिस्टर के हस्बैंड हो गए, ये फादर की सिस्टर हो गई, और ये तुम हो गए। यू नो इनका जो है वो कुछ ज़्यादा ही नाटक होता है, जस्ट जोक्स अपार्ट इनके नाटक ज़्यादा होते हैं, डैट मीन्स अगर इसको किसी मैरिज में बुलाओ अगर, तो ये ज़्यादा ही रूठते हैं। तो आपने क्या किया, एक्चुअली ध्यान से देखो, तो आपने फूफा पे पानी डाल दिया, तो अब क्या करेंगे ये, अगर इनको शादी में बुलाओ और इनके ऊपर पानी डाल दो तो क्या होगा, ये पूरा ही उखड़ जाएंगे, ये पूरा सबको बोलेंगे मुझे किसी से रिश्ता ही नहीं रखना, तो क्या करेंगे ये, दुनिया से एक तरह से अलग ही हो जाएंगे, किसी से मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, बॉन्ड ही नहीं बनाना, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेनॉन। क्यों, क्योंकि इसने फ्लोरीन को भी छोड़ दिया, इसको किसी से रिश्ता ही नहीं रखना है। अब फ्लोरीन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन के साथ वो क्या कर लेगा, HF, और जो वाटर का H चला गया तो ऑक्सीजन बेचारा अकेला बच गया, तो क्या मिल जाएगा, O2। तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो गए कि अगर XeF2 पे अगर आप, जिसको मैंने फूफा एज्यूम किया है, वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, सारे रिश्ते को ये तोड़ देंगे, तो इसलिए आपको जेनॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 0 में आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है।
सिमिलरली ये फूफी हो गए, अब इनको दो दो रिलेशन संभालना है, एक फादर वाला और एक हस्बैंड वाला। तो इसलिए अगर ये हस्बैंड के साथ गई कभी तो ये भी बॉन्ड नहीं बनाएंगी, और फादर के साथ आए तो बॉन्ड बनाएंगी, तो ये दोनों काम करेंगी। तो अगर ये हस्बैंड का पार्ट ली तो बॉन्ड नहीं बनाएंगी, तो XG, HF और O2 तो बनता ही वैसे, और अगर फादर का पार्ट ली तो ये बॉन्ड बनाएंगी, तो आपको क्या बनाना है, XGO3 आपको बनाना पड़ेगा, XGO3 + XGO3, ये तब जब फादर का ये साइड लेंगी तो। और ये तो तुम हो, वैसे भी नहीं नहाते हो, तो जैसे जैसे वाटर तुम पे डाला जाएगा तुम तो मजे लोगे। तो अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल डालूं तो यू नो एक वाटर में दो हाइड्रोजन है, तो ये दो फ्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा, तो पहले केस में आपको मिलेगा XGOF4। क्यों? क्योंकि दो HF मॉलिक्यूल आपके बाहर हो जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन, इसका दो फ्लोरीन बाहर, एक ऑक्सीजन अटैच हो गया। फिर से अगर आप पे वाटर डाला जाए तो फिर क्या होगा, फिर से अभी दो फ्लोरीन और हैं, फिर से दो HF बाहर होंगे और क्या बन जाएगा, XGO2F2। फिर से अगर XGO2F2 पे वाटर डाला जाए तो फिर से दो फ्लोरीन है, दो HF बाहर हो जाएंगे और बन जाएगा XGO3। तो ये XGO3 यहाँ भी बन रहा है और XGO3 यहाँ भी बन रहा था। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, या ये दोनों रिएक्शन में क्या चीज़ें कॉमन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिनॉन HF O2 कॉमन है, या इन दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन है, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो HF एंड XGO3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने कॉमन है, फिर इन सब के स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो वैसे तो इसके बारे में हम बॉन्डिंग में बात करेंगे, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। और ये वो केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये +4 था और यहाँ पे ये +6 में आ चुका है, बट यहाँ पे नो ऑक्सीडेशन, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है, ये ध्यान दें, सिर्फ फोर फूफा और फूफी वाले में, जो एक्चुअली में जिनके थोड़ा नखरे रहते हैं उनके ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ये तो तुम हो, तुमको कितना भी पानी डाल दिया जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट दो केस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, इसको कैसे याद रखना मैंने ईजी तरीका आपको बताया है। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड का कैसे करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया N2O5 और H2O, तो यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे, डैट इज HNO3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो वो भी ईजी है, दो नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो आप इसको 2 टाइम्स कर सकते हो इस टाइप से। नाउ द क्वेश्चन इज कि कभी कभी इसको जो बोलते हैं ये एनहाइड्रस फॉर्म हो गया, एनहाइड्रस फॉर्म, और ये कैसा हो गया, हाइड्रस फॉर्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस, मतलब वैसे नॉन मेटल के एस ऑक्साइड जिसमें हाइड्रोजन ना हो, ध्यान दो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो एनहाइड्रस बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रस फॉर्म बोलेंगे। तो जितने भी ऑक्जो एसिड हैं वो हाइड्रस फॉर्म हो गया, उस ऑक्जो एसिड में से अगर मैंने कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो फिर जो बचेगा वो एनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है और बैक भी दे सकता है, कि अगर मैंने इसको आपको ऐसे बैक दे दे कि HNO3 को सपोज करो मैंने HNO3 को डिहाइड्रेट किया, लाइक P4O10 कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल से आप वाटर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो मुझे इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। दो मॉलिक्यूल लिया तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर हो गए, तो बचे कितने, दो नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, तो देख सकते हो ये बन गया। तो इस टाइप से भी आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कहीं पर अगर मुझे देता है N2O3 प्लस वाटर, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा +3 है, तो मैं क्या बना दूंगा, HNO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्जो एसिड में बना दूंगा। सिमिलरली इसका उल्टा देता कि इसको अगर डिहाइड्रेट करेंगे तो अब फिर अगेन इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। सिमिलरली कहीं पर अगर मान लो Cl2O5 देता है प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्लोरीन +5 में, तो +5 वाला कौन सा बन जाएगा, HClO3, ये आपको बना देना है। अगेन इसके भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे।
तो ऑक्साइड में तो वेरी सिंपल है कि आपको वाटर अटैच कर देना है और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्जो एसिड बना देना है। ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ पे होंगे, जैसे N2O4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वीनो की नाइट्रोजन के जो ऑक्जो एसिड होते हैं वो प्लस थ्री वाले होते हैं या प्लस फाइव वाले होते हैं। तो अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसके जो ऑक्जो एसिड है नॉन ऑक्जो एसिड उसके बीच में आ रहा है, तो आपको फिर एक उससे आगे वाला ऑक्जो एसिड बनाना है और एक उससे पीछे वाला। जैसे ये फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाऊंगा मैं, तो HNO2 प्लस थ्री वाला, और एक फोर से ज़्यादा तो बनाऊंगा HNO3 प्लस फाइव वाला। क्यों? क्योंकि जब इसमें मैंने वाटर डाला था, इसमें वाटर डाला तो ये इस टाइप का कुछ बनता है H2N2O5, लेकिन ऐसा कोई ऑक्जो एसिड नहीं होता है नाइट्रोजन का, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखो कि इन दोनों को लेकर के मैं एक वाटर हटा दूं तो मुझे फिर यही मिल जाएगा N2O4। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऑक्जो एसिड के इन बिटवीन आ रहे हैं तो फिर आपको एक उससे ज़्यादा वाला बनाना है और एक उससे कम वाला। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कहीं पे दे दिया Cl2O6 प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो आपका वो प्लस सिक्स में। यू नो क्लोरीन के ऑक्जो एसिड प्लस वन वाले हो सकते हैं, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन और नंबर में। तो ये सिक्स इज इन बिटवीन फाइव एंड सेवन, तो आपको क्या करना है, एक फाइव वाला बनाना है HClO3, और एक क्या करना है, सेवन वाला बनाना है तो HClO4, क्योंकि सेवन और फाइव के बीच में कौन आ जाएगा, सिक्स। और इन दोनों को अगर आप क्लब कर करके वाटर हटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। तो ऑक्साइड के केस में ये वो केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, और किस केस में होगा तो वो भी हमने आइडिया दिया है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसके नॉन ऑक्जो एसिड हैं उसके अगर बीच में आ रहा है तो एक लो वाला बनाना और एक हाई वाला बनाना। नाउ लास्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड एंड कार्बाइड के केस में कैसे करेंगे। तो देखो, नाइट्राइड में यू नो नाइट्रोजन पे -3 रहेगा, कार्बाइड में कार्बन पे कुछ -X आएंगे, इट मे बी -2 -3, वो डिपेंड करता है कैसे चार्जेज हैं। तो ये ध्यान से देखो, तो इसमें सब में मेटल होंगे, ये मेटल की नाइट्राइड होगी। तो आपको ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस कैसे करना है, चार्ज निकाल लेना। यू नो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो नाइट्रोजन पे -3 होगा, और जितना प्लस चार्ज होगा प्लस वाले को आपको जितना प्लस होगा उतना OH देना है, और जितना माइनस होगा उतना उसको H देना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3 है तो इसको 3 OH मिल जाएगा, और नाइट्रोजन पे 3 माइनस है तो इसको 3 H मिल जाएंगे, तो अमोनिया गैस आपको मिल जाएगा। सिमिलरली सेम लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, यू नो Li पे +1 होता है और 3 Li हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस आएंगे, तो इसका रिएक्शन वाटर से कराओगे तो लिथियम को आपको 1 प्लस है तो 1 OH देना है, और नाइट्रोजन पे 3 माइनस है तो 3 H देना है, तो यहाँ से भी अमोनिया गैस मिल जाएगी। और ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस मिलेगा, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्बाइड के केस में कैसे करेंगे। तो सेम वही लॉजिक कि जितना प्लस होगा उतना आपको OH देना है, और जितना माइनस होगा उतना H देना है। तो यहाँ पे यू नो कैल्शियम पे +2 होगा, तो ओवरऑल दो कार्बन पे -2 आएंगे, दो कार्बन पे -2 आएंगे, तो कैल्शियम पे +2 है तो 2 OH दे दिया, और दो कार्बन पे 2 माइनस है तो मैंने 2 हाइड्रोजन, डेट इज एसिटिलीन गैस बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये रिएक्शन को टारगेट किया जाता है ऑर्गेनिक में भी, कि कैल्शियम कार्बाइड जिसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, इसका एक और नेम है हाइड्रोलिथ, तो इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे। तो ऐसे केस में जितने भी कार्बाइड हैं आपको चार्ज से जाना है, जितना प्लस चार्ज आएगा उतना OH और जितना माइनस आएगा उतना H। सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो मैग्नीशियम पे +2 होता है सेकेंड ग्रुप का है, तो एक मैग्नीशियम पे 2 प्लस होंगे, और तो यहाँ पे मैग्नीशियम का तो क्या बना देना, OH होल ट्वाइस, और यहाँ पे 3 कार्बन है, चूँकि 2 मैग्नीशियम होने की वजह से 4 प्लस आएगा, तो 3 कार्बन पे टोटल 4 माइनस आएंगे तो C3H4, इसको 4 हाइड्रोजन दे देना, तो ये भी आपका प्रोपाइन गैस बन जाएगा। नाउ यहाँ पे इस केस में कैसे करेंगे, तो यू नो एक एल्युमिनियम पे +3 होता है तो इसको 3 OH दे दें, और 4 एल्युमिनियम है तो 12 प्लस, तो यहाँ पे 12 माइनस आया तो C3H12 तो हो जाएगा,
बट यू नो कि तीन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं तीन कॉमन निकाल दूँ तो थ्री टाइम्स ऑफ सी एच फोर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन कई बार पूछी जाती हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड पे वाटर डालेंगे तो आपको मीथेन गैस मिलेंगी। ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें जो कंसेप्ट है वही ट्रिक का पहला पॉइंट लगाया है कि ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड गिव H2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसको H दिया, एंड OH2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्युमिनियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसको OH दिया। तो नाइट्राइड में ऐसे करना है आपको, कार्बाइड में ऐसे करना है। नाउ जाते जाते अब मैं ज्ञान की बात करूँगा, और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो CCl4 है इस पर अगर आप वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी नहीं है, वैकेंट डी और बटन नहीं है कार्बन के पास, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होंगी। SF6 पे अगर वाटर डालोगे तो अगेन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होंगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल सल्फर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6-6 फ्लोरिन उसको सराउंड कर रखे हैं। SiC बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, एंड B4C इसको भी रिएक्शन से वाटर से कराओगे तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जिसमें ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, डैट मीन्स अगर इस पर अगर आप वाटर डालोगे तो एज यूजल बोरॉन को OH मिलेगा, फ्लोरिन को H मिलेगा, तो आपका क्या बनता है, HF, एंड बोरॉन को OH मिलता है तो BOH होल थ्राइस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3 बोरिक एसिड, क्योंकि बोरॉन इसमें अपने हाईएस्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो HF बना ये आपका BF3 से रिएक्ट कर जाएगा, जो BF3 के मॉलिक्यूल होंगे उससे रिएक्ट कर जाएगा ये, और ये बना लेगा HBF4-। तो इसीलिए सारे के सारे BF3 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही HF बनता है तो कुछ HF BF3 से रिएक्ट कर जाते हैं और ये बना लेते हैं। तो इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहो तो भी ईजी है, BF3 3H2O, BF3 + H2O गिव्स यू HBF4-, और H पे प्लस आ जाएगा, +H3BO3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो, इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी आसान है, आपके यहाँ पे एक बोरॉन है, इधर बोरॉन यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ पे अगर आपने 4 किया तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, 4 फ्लोरीन हो गए, 3 × 4 = 12 फ्लोरीन हो गए, यहाँ भी 12 फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पे आपको 3H2O करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ 3 और यहाँ 3 6 हो गए। तो बैलेंस रिएक्शन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट मैंने बता दिया। तो आई होप ये मेरा हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा और उसकी ट्रिक्स दूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कसकाय, मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं बात करूंगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस, और उसमें भी जो नॉन मेटल हैं वो फिक्स हैं, आइदर फॉस्फोरस की रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में कराएंगे, या सल्फ़र की रिएक्शन, या हेलोजन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फॉस्फोरस वाला, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और हेलोजन वाला ये भी ज़्यादातर, ये दोनों नॉन मेटल की रिएक्शन विथ बेसिक मीडियम में पूछा जाता है। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल मैं ट्रिक्स देने जा रहा हूँ कि ध्यान से देखो, बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम को कैसे देखा सकता है कि OH- दे दिया, या pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा कर दिया, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है NOH दे दिया, कोई भी बेस आपको दे दिया और उसकी रिएक्शन नॉन मेटल से कराएंगे तो क्या होगा। तो फास्फोरस के केस में हो, या सल्फर के केस में हो, या हेलोजन के केस में हो, इन तीनों ही केस में एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको कंपाउंड बनाना है। फास्फोरस के केस में PH3 फॉस्फीन गैस बन जाएगी, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि उसका लोएस्ट हो सकता है -3 है। सल्फर के केस में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो सकता है,
तो जो भी कैटायन होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो Na2S आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड। नाउ हैलोजन के केस में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकता है, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो NaX। और हैलोजन के केस में दो कंडीशन हमने बनाया, क्योंकि इसमें दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर OH- आपने कोल्ड कंडीशन में लिया और डाइल्यूट लिया तो भी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही मेंटेन करना है, और अगर आपने NOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में लिया तो भी आप लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे। तो एक आपको आइडिया मिल गया कि अगर नॉन मेटल की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा। फास्फोरस के केस में PH3 लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3, सल्फर के केस में सल्फाइड -2, हैलोजन के केस में हैलाइड -1। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट से ज़्यादा ही होगा, ये कहने का मतलब तो आपको बनाना है +1 फास्फोरस के केस में। और इसका हमने ऑक्सो एसिड में नेमिंग में आपको तरीका भी दिया था कि ये जो आपका है वो हाइपो फास्फोरस एसिड है। और सल्फर के केस में आप बनाएंगे H2O3 -2, डेट इज थायोसल्फेट। और हैलोजन के केस में अगर कोल्ड कंडीशन में है, डाइल्यूट कंडीशन में, तो हैलोजन +1 में चला जाएगा XO-, और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में है तो हैलोजन +5 में चला जाएगा XO-3-। नाउ इसको याद कैसे रखेंगे, तो यू नो फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, तो उसी से मैंने कनेक्ट कर दिया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, 3 और 1। फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, तो जब फास्फोरस की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएंगे तो एक बार फास्फोरस -3 में चला जाएगा और एक बार फास्फोरस +1 में चला जाएगा। सल्फर के केस में -2 + 2 दोनों ही सेम है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ध्यान रखना, एक बार -2 और एक बार +2 एवरेज में। हैलोजन के केस में अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो -1 + 1, डैट मीन्स 1 यू कैन से उसके आगे +- लगा देंगे, इसके आगे +- लगा देंगे। बट अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में है तो -1 तो है ही, और दूसरा +5, क्योंकि यू नो हैलोजन के केस में एक वर्ड जो हमने लगाया था वो 5 में ही लगाया था। तो ये आप उसके प्रोडक्ट को कैसे याद रख सकते हो उसके बारे में हमने आइडिया दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एक ना एक होता ही है। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे P4 के रिएक्शन में बेसिक मीडियम में करा रहा हूँ, एक्वस NOH लिया हुआ है, तो यू नो कि प्रोडक्ट आपको मालूम ही हो गया कि एक आपको बनाना है PH3 और एक बनाना है, चूँकि यहाँ पर सोडियम कैटायन है, तो NaH2PO2। नाउ अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 4 फास्फोरस हैं, और जबकि यहाँ पे 1 फास्फोरस हो गया है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दें तो टोटल 4 फास्फोरस हो जाएंगे। नाउ जो Na है वो 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 NOH कर दें, और जो हाइड्रोजन है वो 6 और 3 9 हो गए, यहाँ ऑलरेडी आपके 3 हैं तो यहाँ पे भी 3 कर दें, तो ये 3 3 3 रहेंगे, सिर्फ 1 आपका इसके आगे रहेगा और 1 इसके आगे रहेगा, बाकी सब 3 3 3 है। ध्यान से देखो तो इसका नेमिंग भी बताया था, इसका नेमिंग हो जाएगा सोडियम, और ये हाइपो फॉस्फोरस एसिड से हाइपो और अस वाला है तो आइट लगाना है, तो क्या हो जाएगा फॉस्फाइट। तो ये बैलेंस रिएक्शन भी ध्यान रखना है, कई बार इस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए। नाउ अगर मैंने क्लोरीन लिया है, यहाँ पे ब्रोमीन भी होता है तो सेम टाइप की रिएक्शन, आयोडीन होता तो भी सेम टाइप की रिएक्शन, तो क्लोरीन की रिएक्शन अगेन बेसिक मीडियम में और कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन लिया है, तो एक तो आपको NaCl बनाना है, क्लोरीन को -1 में ले जाना है, और एक बार आपको NaOCl बनाना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर यहाँ पे कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन आपका 2 हो चुका है, सोडियम 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 NaOH करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया आपका। नाउ अगर उसी क्लोरीन की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में कराएंगे, तो अगेन एक तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला NaCl, Cl पे -1, ये आपको बनाना है, दूसरा जो बनेगा वो Na
CLO3 बनेगा और प्लस वाटर आपको बनाना है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्लोरीन प्लस 5 में आया है और ये क्लोरीन माइनस 1 में आ चुका है। तो जो प्लस 5 वाले हैं वो आपके इस साइड मल्टीप्लाई जाएंगे और 1 वाले इधर, तो आपको यहाँ पे 5 NaCl करना है। इस 5 को मैंने इधर कर दिया और इसका 1 को मैंने इधर कर दिया, तो टोटल Cl आप ध्यान से देखो तो 5 और 1 6 हो गए, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3Cl2। Na देखो तो 5 और 1 6 हो गए, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 6NOH। और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहो तो हो जाएगा 3 + 3 = 6, यहाँ 6। तो रिएक्शन को बैलेंस भी कैसे करना है और कैसे प्रोडक्ट बनाना है उसको मैंने एप्लीकेशन लेकर के समझाया है। नाउ जाते जाते अब एक ज्ञान की बात और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फास्फोरस आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे वो -3 में आया और यहाँ पे वो +1 में आया। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन आपका 0 में था, यहाँ पे ये -1 में आया और यहाँ पे ये +1 में आया। सिमिलरली यहाँ क्लोरीन आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे ये -1 में आया और यहाँ पे ये +5 में आया। तो अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो फॉस्फोरस आपका रिड्यूस हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो फॉस्फोरस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वैसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, डैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, रेडॉक्स में ये बातें होती हैं। तो वैसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो एंड रिड्यूस भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जितनी नॉन मेटल की रिएक्शन इन बेसिक मीडियम में सब की सब डिसप्रोपोर्शनेशन हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस कई बार प्रॉब्लम पूछे गए, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड PYQs के बारे में। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय, मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं बात करूंगा नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे सिंपल ट्रिक से याद रखेंगे उसके बारे में बात करूँगा। तो जो ऑक्साइड के नेचर हो सकते हैं वो बेसिक हो सकते हैं, और जनरली जो बेसिक नेचर होता है वो मेटल के ऑक्साइड का होता है। सिमिलरली एसिडिक हो सकते हैं, और जनरली जो एसिडिक नेचर होता है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड का होता है। और तीसरा जो है वो एम्फोटेरिक हो सकता है, और जनरली ये जो नेचर है वो मेटलॉइड का होगा, डैट मीन्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी उसमें एम्फोटेरिक नेचर होगा। और कुछ मेटल भी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, और एक न्यूट्रल टाइप के भी ऑक्साइड होंगे जो कि जनरली नॉन मेटल के होते हैं। नाउ जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको ही ट्रिक से याद रखेंगे। इसलिए हमने इसके नीचे ट्रिक्स लिखा है, इसके नीचे ट्रिक्स लिखा है। इन दोनों को याद कर लिया तो बाकी जितने भी ऑक्साइड बचे अगर वो नॉन मेटल के हो गए तो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे, और मेटल के हो गए तो बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, यू ऑलरेडी नो कि अगर बेसिक ऑक्साइड होगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। अगर वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे तो किससे रिएक्ट करेंगे, बेस से। अगर वो एम्फोटेरिक हो गया तो वो फिर दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी,
और जो न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे तो वो ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना ही बेस से रिएक्ट करेंगे। क्रॉस करने का मतलब ना तो ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं ना ही बेस से। तो मैं अब आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ईजिली याद रख सकते हो एंड न्यूट्रल ऑक्साइड को ईजिली याद रख सकते हो। ये दोनों याद हो गया तो रेस्ट जितने भी बचेंगे, अगर उसमें नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा और मेटल है तो बेसिक होगा। एम्फोटेरिक को कैसे याद रखेंगे उसके लिए सिंपल सा मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ। ये है ZN, एल्युमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड और टिन। तो इसको सिंपल मेरे निमोनिक से याद रख सकते हो। ZN से हमने बना लिया जनाबे और इसका जेड ले लिया और N। AL से बना लिया आली, B और CR को क्लब कर दिया तो बेकार, GA से गाया, PB से पंजाबी, SN से सॉन्ग। तो सिंपल इस निमोनिक से याद रख सकते हो जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये टोटल 7 एलिमेंट हो गए। इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। नाउ जो मेटलॉइड्स हैं उसको आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, मेटल की भी नॉन मेटल की भी। तो इसको सिंपल मेरे ट्रिक से याद रख सकते हो। बी से हो गया बालिका, SI से सीता, GE से गीता, AS से ऐश्वर्या, SB से सब, TE से टेली, PO से फोन, AT से लाते। तो सिंपल मेरा निमोनिक्स क्या हो गया, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, ये चार गर्ल्स हो गए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टेलीफोन लाते। तो इनके भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे एंड जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये सब मेटल है, मेटल के ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक है तो यही 7 मेटल हो सकते हैं। तो एम्फोटेरिक को हमने याद रखने का आपको तरीका बता दिया, तो ये बहुत ईजी हो गया। न्यूट्रल को सिंपल मैंने ट्रिक दिया था, CNN करके एक न्यूज चैनल आता है, तो CNN से हम कैसे कनेक्ट करें, एक बार C के साथ मैंने O लगाया तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक बार N के साथ O लगाया तो NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, और दो बार N है तो इनके साथ एक बार O लगाया तो N2O। ये तीन ऑक्साइड ही पूरे पीरियोडिक टेबल में है जो न्यूट्रल हैं, डैट मीन्स ना तो ये एसिड से रिएक्ट करेंगे ना ही बेस से रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम न्यूट्रल को याद रख लेंगे क्योंकि ये लिमिटेड हैं, एम्फोटेरिक को याद रख लेंगे क्योंकि ये भी लिमिटेड हैं। अब जितना भी आपको ऑक्साइड बचा, अगर उसमें नॉन मेटल है तो वो एसिडिक होगा और अगर मेटल है तो फिर वो बेसिक होंगे। नॉन मेटल कितने हैं तो ये भी आपको मालूम है कि जो नॉन मेटल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका पी ब्लॉक में हैं, सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में नॉन मेटल हैं। लाइक अगर सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है एट्सेट्रा, तो ये सब नॉन मेटल अगर आपको दिख गया तो इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे। और मेटल तो आपको मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, पूरे एस ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वाले एंड सम ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो कैन बिहेव लाइक मेटल। तो आपको न्यूट्रल याद रखना है, एम्फोटेरिक याद रखना है, बाकी जो भी ऑक्साइड बचा उसमें नॉन मेटल होगा तो एसिडिक, मेटल होगा तो बेसिक। नाउ अब मैं ज्ञान की बात करूंगा और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान की बात में यह है कि मैंने सम ऑफ द ऑक्साइड लिए हैं और उसके नेचर को हमें बताना है। तो यू नो जनाबे से याद रखे थे तो ये कैसे होंगे नेचर में, एम्फोटेरिक, क्योंकि जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग से। यहाँ पे भी एल्युमिनियम है, आली वर्ड में आ गया ये, तो ये भी ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक, डेट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। नाउ N2O3 ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गए और तो इसलिए ये कैसे रहेंगे, एसिडिक। NO तो वो CNNO वाले ट्रिक्स में NO आ गया तो ये कैसे हैं, न्यूट्रल। अगेन N2O तो ये भी क्या हो जाएंगे उसी ट्रिक से, न्यूट्रल। CO ये भी उसी ट्रिक से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल में बाय द वे तीन है ही जो इजी है याद रखना ट्रिक से, CO2 नॉन मेटल के ऑक्साइड तो क्या लिख देंगे, एसिडिक। MgO मेटल के ऑक्साइड तो कैसे हो जाएंगे, बेसिक।
लेड, तो जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी पीबी, तो ये एम्फोटेरिक। और यहीं पे ध्यान देंगे लेड का पीबीओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर वाला होता पीबीओ टू तो भी ये एम्फोटेरिक ही होता। वैसे टिन का प्लस टू वाला है सॉन्ग तो ये भी एम्फोटेरिक होंगे, और अगर प्लस फोर वाले होते SNO2 तो वो भी एम्फोटेरिक होते। तो आइदर SNO या SNO2 ये दोनों ही क्या हो जाएंगे एम्फोटेरिक। क्लोरीन नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो कैसे हो जाएंगे एसिडिक। SO2 नॉन मेटल के तो कैसे हो जाएंगे एसिडिक। BE जनाबे आली ने बेकार BE तो ये एम्फोटेरिक। क्रोमियम प्लस थ्री में होगा तो ही एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे क्रोमियम प्लस थ्री में इसलिए एम्फोटेरिक। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर को देख कर करके ट्रिक्स को समझ कर करके आप जितने भी प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू। हेलो माय फ्रेंड्स, कसकाय, मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं हटा दूंगा आपके दिल से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को रटने का डर। डैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इसकी दो कंडीशन होगी, एक डाइल्यूट कंडीशन है और एक कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट में फिर ये नॉन मेटल से करेगा तो क्या होगा, और मेटल से करेंगे तो क्या होगा। तो डाइल्यूट कंडीशन में ये नॉन मेटल से रिएक्शन ही नहीं करता है, तो यहाँ से टेंशन ही ख़त्म हो गया। डाइल्यूट कंडीशन में ये मेटल से रिएक्ट करते हैं। मेटल में भी दो कैटेगरी है, अगर वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हुए या हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हुए वो मेटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है HLR मतलब लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एंड HMR मतलब मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाले को कैसे याद रखोगे, छापा वर्ड से। छापा का मतलब C से कॉपर, H से HG, A से AG, P से PT, A से AU। छापा वर्ड से इजीली याद रख सकते हैं। अगर छापा की मेटल है तो वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, बाकी को छोड़ करके सब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो इन दोनों ही केसेज में डाइल्यूट कंडीशन में कैसे रिएक्शन होगी, तो मेटल नाइट्रेट दोनों में बनेंगे। मेटल नाइट्रेट दोनों में कॉमन प्रोडक्ट है, वाटर दोनों में कॉमन प्रोडक्ट है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा डाइल्यूट कंडीशन में, कि अगर लेस रिएक्टिव होंगे तो नो वर्ड से याद रखेंगे। लेस रिएक्टिव मतलब रिएक्ट नहीं करना चाह रहा है, तो नहीं का सेंस नो वर्ड से NO गैस मिलेगी, और यहाँ पे मोर रिएक्टिव मोर नाइट्रोजन N2O गैस मिलेगी, और दोनों के बारे में आपको मालूम है कि ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो डाइल्यूट कंडीशन में ये ट्रिक है। कंसंट्रेटेड में मेटल हो या नॉन मेटल हो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, और कॉमन प्रोडक्ट इज N2O, दोनों में आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस आएंगी। कंसंट्रेटेड कंडीशन में ही रेडिश ब्राउन कलर की गैस आएगी, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। मेटल कोई भी हो, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव डजंट मैटर। कॉमन प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की गैस, वाटर ये कॉमन प्रोडक्ट है। डिफरेंट क्या है, मेटल के केस में मेटल नाइट्रेट बनाएंगे और नॉन मेटल के केस में उसका इक वाला एसिड, जैसे फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन हुआ तो क्लोरिक एसिड। तो आई होप ये ट्रिक आपको सही से समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो मैंने हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट लिया है और हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव वाला भी एलिमेंट लिया है। एक एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाला लिया है और एक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव। तो ध्यान से देखो कि कॉपर की रिएक्शन हो या जिंक की, हर केस में आपको मेटल के नाइट्रेट मिलेंगे। डैट मीन्स कॉपर नाइट्रेट, मेटल के नाइट्रेट मिल गए। यहाँ भी कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे जिंक है तो जिंक नाइट्रेट।
मेटल की नाइट्रेट आपको मिलेंगी, ये एक कॉमन प्रोडक्ट था। नाउ हर केस में आपको वाटर मिलेंगे, तो वाटर भी हर केस में आपको बना देना है, वाटर भी मिलेंगे। ध्यान रहे मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस तो हम कर लेंगे, मेजर थिंग इज की प्रोडक्ट क्या मिलेगा। नाउ यहाँ पे कॉपर विथ डाइल्यूट केस है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव नो, मना करेंगे तो नो गैस, एनो गैस। यहाँ पे कॉपर कॉन्सनट्रेटेड के साथ है तो फिक्स ही है, ब्राउन कलर की गैस एनो टू। अगेन जिंक डाइल्यूट के साथ है, मोर रिएक्टिव, मोर नाइट्रोजन, एन टू ओ। अगेन कॉन्क है तो उसमें तो फिक्स ही है, एन ओ टू, रेडिश ब्राउन कलर गैस। तो आप देख सकते हो कि मेटल नाइट्रेट वाटर कॉमन प्रोडक्ट है, ओनली डाइल्यूट कंडीशन में लेस रिएक्टिव होगा तो नो, और मोर रिएक्टिव होगा तो एन टू ओ, और कंसंट्रेटेड में तो फिक्स ही है दोनों में, एन ओ टू। नाउ नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होगी, तो नॉन मेटल यू नो ओनली एक ही कंडीशन में करेगा, कंसंट्रेटेड कंडीशन में। तो नॉन मेटल की रिएक्शन कॉन्क HNO3 से करेंगे तो इसका इक्वल एसिड डेट मीन्स H3PO4 बना लेना आपको, फॉस्फोरिक एसिड प्लस रेडिश ब्राउन कलर की गैस डेट इज NO2 प्लस वाटर आपको बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो सल्फर का H2SO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। तो आप ध्यान से देख सकते हो आयोडीन का कराऊंगा तो इसका एक वाला HIO3 प्लस NO2 प्लस H2O। नाउ यू कैन सी कि नॉन मेटल की रिएक्शन अगर कॉन्क HNO3 से कराएंगे तो सब में आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलेगी और सब में वाटर, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि उसका एक वाला एसिड बनाना है। नाउ इस रिएक्शन को बैलेंस भी कैसे करना, उसके लिए भी रफी सर के पास ट्रिक है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे फास्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे ये किस में आ गया, फाइव में। तो चेंज कितने का हो गया, जीरो से फाइव में, फाइव का चेंज हो गया। और यहाँ पे एटम कितने, फोर, तो फाइव इंटू फोर 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा, HNO3 का भी कॉफिशियंट लेना पड़ेगा 20, और इधर नाइट्रोजन का भी कॉफिशियंट आपको करना पड़ेगा 20। नाउ फास्फोरस चार है तो यहाँ पे आप कर दो 4। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 20, इधर है 12, तो हमें 8 और चाहिए तो यहाँ पे आप कर दो 4। एक बार और समझो, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे सल्फर है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 6 में, तो चेंज कितने का हो गया, 6 का। आपके पास एटम कितने हैं, 8, तो 6 × 8 = 48, तो HNO3 का कॉफिशियंट कितना हो जाएगा, 48। जितना यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी क्या कर दोगे, उतना ही, तो 48। नाउ सल्फर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे सल्फर कितना हो जाना चाहिए, 8 यहाँ पे कर देंगे, ये वाला यहाँ पे कर देंगे। नाउ 48 हाइड्रोजन है हमारे पास, इधर 16 हो गए हैं तो इधर 16 × 32, तो इधर आ जाएगा आपका 16। एक बार और अप्लाई करके बताता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, कि यहाँ पे आयोडीन जीरो में है, यहाँ पे आयोडीन आपका फाइव में है, तो जीरो से फाइव में गया तो चेंज हो गया फाइव का, और यहाँ पे नंबर कितना है, 2, तो 5 × 10, तो इसलिए यहाँ पे HNO3 के आगे यहाँ पे कितना लगेगा, 10, और यहाँ पे आप कितना लगा दोगे, 10। नाउ आयोडीन यहाँ पे 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 10, इधर 2 हो चुके हैं तो इधर कितना करना पड़ेगा, 4। तो आप ध्यान से देखो कि नॉन मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कंसंट्रेटेड कंडीशन में कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, उस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे उसके लिए भी मैंने ट्रिक दिया है, और सब में आपको रेडिश, डैट मीन्स कंसंट्रेटेड कंडीशन में चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, रेडिश ब्राउन कलर की गैस और वाटर फिक्स है। सिर्फ नॉन मेटल होगा तो उसका इक्वल एसिड, मेटल होगा तो मेटल नाइट्रेट, और डाइल्यूट कंडीशन में तो नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मेटल अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो नो गैस, और मोर रिएक्टिव है तो N2O गैस बनेंगी। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि जिस तरीके से आपने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया वैसे अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊँ तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड में मेटल के नाइट्रेट मिल रहे थे, यहाँ पे आपको मेटल के सल्फेट मिलेंगे, वाटर अगेन कॉमन रहेगा, वहाँ पे NO2 मिल रहा था, यहाँ पे SO2 मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉपर की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराऊँ
तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर का सल्फेट बना देना है और वाटर तो आपको मिलेंगे ही, और प्लस यहाँ पे NO2 की जगह सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर मैं जिंक की रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराऊँ तो आपको जिंक के सल्फेट प्लस H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये ज्ञान की बात नंबर 1 हो गया। और ज्ञान की बात नंबर 2 जो है वो अगेन इम्पोर्टेंट है कि लाइक एल्युमिनियम, आयरन, ये सब कुछ ऐसे मेटल हैं जिन पे ऑक्साइड लेयर बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये इसको जैसे ही आप ऑक्सीजन में छोड़ दोगे तो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो जाएंगी। तो ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से ये पैसिव हो जाते हैं, डैट मीन्स जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से जल्दी फिर ये रिएक्ट नहीं करते। तो आई होप आपको मेरा ये नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन वाला ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।